मुखम करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत् कृपात महं वन्दे श्री गुरु दीन तारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। जय गुरु, जय श्री प्रभुपाद ही जय। तो बहुत ही विशेष दिन है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। सो माधवेंद्र पुरी जी की कथा तो सबने बार बार सुनी हुई है, ठीक है, और स्पेशली हिज होलनेस गोपाल कृष्ण महाराज तो बहुत ही दक्ष है इस कथा को बताने में। सो महाराज का लेक्चर आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे, मतलब आपको इतने वर्जन मिल जाएंगे एंड सच डिटेल्ड वर्जन ऑफ महाराज कथा ऑन श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। और परमेश श्रीदास ठाकुर के बारे में हमने सुना हुआ है कि बहुत ही महान वैष्णव थे, और जानवा माता जो कि नित्यानंद प्रभु की कॉन्सर्ट है, उनके उनके पार्षद रहे हैं, उनके बहुत ही नजदीकी सेवक रहे हैं। और एक समय ऐसा जब वो कीर्तन कर रहे थे तो कीर्तन किसी ने मरी हुई लोमड़ी फेंक दी थी, और परमेश्वरी दास ठाकुर जी ने सिर्फ उस पर ग्लैंस किया, ग्लैंस करके उसको जीवित कर दिया और लोमड़ी भी भक्त बन गई। सो सोचिए वो वैष्णव कितने महान वैष्णव होंगे परमेश्वरी दास ठाकुर की, जिनके दृष्टिपात करने मात्र से लोमड़ी में प्राण आ जाए। और श्रीमान आचार्य जी के बारे में लास्ट ईयर बहुत ही सुंदर कथा की थी शचीपति प्रभु जी ने, पूरा 1.5 घंटे की क्लास है, ब्यूटीफुल क्लास, तो वो भी आप यूट्यूब पे जाकर सुन सकते हैं, वेरी वंडरफुल डिस्क्रिप्शन बाय प्रभु जी। राधा रमन जी, ऑफकोर्स राधा रमन जी इज वेरी वेरी स्पेशल। राधा रमन जी एक तो स्वयंभू है, आप सब जानते हैं, किसी ने कार्व आउट नहीं किया। अगर कोई पूछे भी आप कैसे कर सकते हैं भगवान ऐसे दिखते हैं, क्या बता भगवान है गिटार लेके ऐसे कैसे, ऐसे ही है वो, तो भगवान का एक स्वयंभू रूप है राधा रमन जी के रूप में। राधा रमन जी ऐसे इसी रूप में प्रकट हुए, तो जो 12 शिलाएं प्राप्त हुई थी आप जानते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को गंडकी नदी से, उनमें से एक जो मुख्य शिला थी दामोदर शिला, वो मैनिफेस्ट होगी एज राधा रमन जी, क्योंकि नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, यानी जैसे कल का दिन था। तो इसलिए सारे डिवोटी जो थे दे वर सेलिब्रेटिंग, और एक व्यक्ति आया नरसिंह चतुर्दशी के दिन, उसने वृंदावन में आके कई डिवोटीज को उन्होंने कपड़े दिए कि आपने ठाकुर जी का श्रृंगार करें, लेकिन ये कैसे श्रृंगार करें, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी इनके पास तो शालिग्राम शिला है। उन्होंने कहा प्रभु अगर आप नरसिंह चतुर्दशी अगर आप खंबा फाड़ के निकल सकते हैं तो शिला में से तो निकल सकते हैं ना, आपके लिए भला कौन सा कठिन बात है, मैं भी आपका श्रृंगार कर पाता, मैं भी आपकी सेवा कर पाता। तो जहां भक्त की सेवा की भावना की आतुरता होती है ऐसे में भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए फिर नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन उन्होंने देखा, अरे जो मुख्य शिला जो थी उनमें से सारी शिलाओं में से दामोदर शिला उनमें से राधा रमण जी प्रकट हो गए, वो स्वयं भू स्वयं प्रकट हुए हैं। तो इसलिए स्मॉलेस्ट डीटी 12 उंगल का उनका टोटल साइज है राधा रमण जी का, बट वेरी वेरी ब्यूटीफुल डीटी। और जो डिवोटीज उनकी सेवा की हुई है वो देखते हैं वो कि दैट व्हेन वी टच राधा रमण जी इज नॉट स्टोन इज लिविंग, बहुत सॉफ्ट है उनकी बॉडी, जस्ट लाइक वी हैव इससे भी ज्यादा सॉफ्ट। सो इस तरह से राधा रमण जी इज वेरी वेरी स्पेशल। और राधा रमण जी के यहाँ जो कुकिंग होती है बाहर से कोई सामान नहीं आता है, जो होता है इन हाउस कुकिंग ही होती है, बाहर की चीजें नहीं लेके आते, इवन दूध भी आता है उबला हुआ दूध नहीं लेते, वो जो गाय का रॉ दूध आता है वो। अरे शबरी शचीपति प्रभु जी की जय हो। तो श्रीमद आचार्य जी का लेक्चर आप इस व्यक्ति का सुन सकते हैं, इनका नाम है शचीपति प्रभु जी, यस। और वहां जो लाइट वगैरह जलाई जाती है वो माचिस अलाउड नहीं है वहां पर, सो वहां पर 470 ईयर्स अगो मंत्रों से जो आग जलाई गई थी उसी आग से आगे कुकिंग होती है, तो इसलिए वो तब से वो ज्योति आज भी जली रही है। ही नेवर लेफ्ट वृंदावन धाम, इवन दो अटैक हुआ औरंगजेब और कहीं ऐसे जो इस्लामिक इन्वेडर से, लेकिन फिर भी राधा रमण जी लेकिन वहीं पर ही रहे। बाकी डीटीज भले गए हो, जयपुर गए हो, करौली गए हो, या फिर श्रीनाथ जी कहाँ गए थे, नाथद्वारा, लेकिन ये ठाकुर जी हमारे यहीं पर ही रहे राधा रमण जी। सो ही वॉज हिडन इन साइड द वेल, एक कुआं है वो, आज भी कुआं वहां पर है, तो भक्तों ने रक्षा भी की थी, उनको वहां पर रखा था। एंड देन ऑफ कोर्स जब ये औरंगजेब का सारा साम्राज्य जब ओवर हुआ देन दे वर ब्रॉट बैक, और उसके बाद फिर उनकी पूजा अर्चना शुरू हुई। और उनका फेमस है आप सब जानते हैं कुल्लड़ में जो मिलता है महाप्रसाद अमृत केली, दैट इज फेमस। और प्रभुपाद जी बोला करते थे सबसे बेहतरीन स्टैंडर्ड जो है डीटी वर्शिप का, वो जो जहां से भक्तों को भी सीखना चाहिए डीटी वर्शिप, दैट इज फ्रॉम राधा रमन टेम्पल। और आप पुंडरीक गोस्वामी जी जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, बहुत ही स्कॉलरली वैष्णव हैं, वो राधा रमन जी की ग्लोरीज को और फैला रहे चारों ओर। सो राधा रमन जी की कृपा की याचना करते हैं, उनका प्राकट्य हुआ है, क्योंकि एक भक्त की बड़ी तीव्र आतुरता थी सेवा करने की, तो भगवान प्रकट हुए। यानी भगवान वहां पर होते हैं जहां सेवा की आतुरता होती है, जहां पर सेवा की आतुरता नहीं है वहां से भगवान चले भी जाते हैं। अब भगवान विग्रह में प्रकट हो सकते हैं, तो भगवान विग्रह से अप्रकट भी हो सकते हैं। इस कई मंदिरों में जाओ वहां पर आपको दर्शन तो करते हो लेकिन आपको फीलिंग नहीं आती भगवान है कि नहीं है,
फीलिंग ही नहीं आती। और हमारे रुक्मणी द्वारका जिस मंदिर में पूरी पूरी फीलिंग आती है, यस पूरी फीलिंग हो जाती है फीलिंग्स के साथ। ऐसा होता है क्योंकि ठाकुर जी यहाँ पर है ना, इसीलिए तो जहां सेवा होगी, सेवा की भावना होगी, तो वहां भगवान रहेंगे। इसका वॉल्यूम हल्का सा कम कर दो, सीटी मार रहे हैं, माता है बुरा मानेंगे। बिल्कुल सो हमने सोचा फिर आज हम महात्मा बुद्ध के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है जी। तो हमने सो का थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया, सो प्राइमरली वी वुड फोकस ऑन लॉर्ड बुद्धा, यस। तो जो जो दशावतार स्रोत है बाय श्री जयदेव गोस्वामी, उसमें जो नौवां श्लोक है वो इसी प्रकार से आते हैं, इसी प्रकार से आते हैं। निंद से यज्ञ विधेर अह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशु घातम केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। तो वही केशव भगवान श्री कृष्ण जो है बुद्ध शरीरा बुद्ध के रूप में आए, लेकिन बुद्ध के रूप में उन्होंने आकर क्या किया, वही भगवान श्री हरि ने क्या किया कि वेदों के जो वाक्य हैं उनको किनारे किया और अहिंसा को सामने रखा, क्योंकि पशु घातम, क्योंकि पशुओं के प्रति बहुत अधिक हिंसा हो रही थी, तो पशुओं की हिंसा को कम करने के लिए। तो ये महात्मा बुद्ध के आने का ये उनका कार्य है। लेकिन लेकिन ऐसा क्यों होता है, भगवान बुद्ध रूप में क्यों आते हैं? इसकी शुरुआत होती है श्रृंगी से। आप सब जानते हैं श्रृंगी, भाग श्रीमद भागवत में आता है, श्रृंगी है, श्रृंगी ने श्राप दे दिया परीक्षित महाराज को, क्यों? क्योंकि भाई शमक ऋषि गले में बड़ा हुआ सांप डाल दिया। तो इस प्रकार से एक ब्राह्मण ने अपनी शक्ति का मिस यूज किया, तो क्योंकि ब्राह्मण ने अपनी शक्ति का मिस यूज किया तो हुआ क्या, इसके प्रभाव में गोइंग फॉरवर्ड ब्राह्मणिकल पावर कम होनी शुरू हो गई, क्योंकि एक परमहंस डिवोटी परीक्षित महाराज के प्रति अपराध हुआ, ये डांटते थे आके बोलाते ऐसे कैसे कर दिया तुमने, पर बोलना तुम 7 दिन 7 रात में गया तुम्हारी मृत्यु हो जाए, ये कुछ ज्यादा पनिशमेंट हो गई एक्चुअली। तो इसीलिए इसके बाद फिर ब्राह्मणिकल पावर्स कम होने शुरू हुआ, एंड सिंस दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द्वापर युग, अब इसके बाद कलयुग शुरू होना है, तो कहीं ना कहीं पीछे भगवान की भी इच्छा है ही है। तो उसी वजह से जब ब्राह्मणिकल पावर्स कमजोर हुई, यानी कि ब्राह्मण्स में ब्राह्मणिज्म कम हुआ, तो फिर ये ऊंची जाति नीची जाति शुरू हुआ, कि नीची जाति के लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, तो कौन सी जाति का है, शूद्र है, चले यहां से। तो ये जब आलतू फालतू जब हरकतें शुरू हुई सनातन धर्म के अंदर, तो फिर कई लोगों ने फिर सनातन धर्म छोड़ दिया, बकवास है सनातन धर्म, क्या है ये ऊंची जाति नीची जाति, ये ब्राह्मणिकल पावर का मिस यूज की वजह से हुआ। अब जिन्होंने सनातन धर्म छोड़ दिया है, दे हैव बिकम हाईली अनसिविलाइज्ड, क्योंकि अब तो कोई रूल्स है ही नहीं, अब तो कोई रूल रेगुलेशन है नहीं, अब जो करना करो जो भोगना है भोगो। तो इसीलिए फिर लोगों ने क्या किया, या तो शास्त्रों के जो ऐसे सेक्शन है जिनका मिस यूज किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल से जहां पर एनिमल सेक्रीफाइस के बारे में, अरे बहुत बढ़िया है, मारो काटो बलि चढ़ाओ टंगड़ी तोड़ो दे देना धन, अब क्या किया जाए। तो इसीलिए फिर वैदिक शास्त्रों की अवहेलना, यानी कि वैदिक शास्त्रों के का जो कोर मैसेज है उस पर फोकस नहीं किया, बल्कि अहिंसा पे फोकस किया, कंपैशन पे फोकस किया। तो इसलिए फिर कलयुग में सारे फिर अलग अलग धर्म आते हैं, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, ये सारे अलग अलग धर्म ये सारे कलयुग में ही आते हैं, ये इसीलिए आते हैं। रीजन में पीपल हैव लेफ्ट सनातन धर्म, सनातन धर्म को लोग छोड़ चुके हैं, क्यों? क्योंकि ब्राह्मणिकल पावर्स कम हुई, क्यों? क्योंकि श्रृंगी ने अपनी ब्राह्मणिकल पावर का मिस यूज किया, इसलिए फिर ये सारे सारे आते हैं ताकि लोग नैतिक हो जाएं। इस आदमी के जितने बाकी धर्म है ना, उनकी शिक्षाएं नैतिक ज्यादा है, आध्यात्मिक कम है, दे आर मोर मॉरल इन नेचर, दाउ शैल नॉट किल, हिंसा मत करो, किसी के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हारे साथ करे, अब ये सब मॉरल शिक्षाएं हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन ये आध्यात्मिकता नहीं है इसके अंदर बहुत ज्यादा। तो उसी तरह से बुद्धिज्म भी जो है, बुद्धिज्म के अंदर बहुत स्पिरिचुअलिटी नहीं है, बुद्धिज्म के अंदर मेन अगर बोले, अगर एक लाइन में अगर समराइज करना सारी बुद्धिस्ट टीचिंग्स को, संसार दुख से भरा हुआ है, निर्वाण की ओर आगे बढ़ो, दैट्स इट, एंड दैट्स बुद्धिज्म। अब इसी को और थोड़ा डिटेल में आज हम चर्चा करेंगे, ऑफकोर्स उनकी कुछ लीलाएं भी चर्चा करेंगे। लेकिन बुद्ध जो है वो जब आए तो वैसे दो बुद्ध बताए जाते हैं, देयर हैपेंड टू बी टू बुद्धास, एक जो बुद्ध है वो आए 3,500 साल पहले, एक्चुअली 1800 BC, यानी 3,800 ईयर्स एगो, और इनके बारे में चर्चा आती है हमारे वैदिक शास्त्रों के अंदर। इनकी मां का नाम था अंजना, और इन्होंने भी अहिंसा को आगे रखा, लेकिन शास्त्रों को इन्होंने नक्की नहीं किया, किनारे नहीं किया, उन्होंने शास्त्रों को लेके चले लेकिन अहिंसा पे ज्यादा फोकस रखा, भक्ति पे फोकस नहीं रखा। और ये है जिनका जन्म हुआ था गया, बोध गया नाम का स्थान है, वहां पर इनका प्राकट्य हुआ था,
और ये है विष्णु अवतार बुद्ध। इसके अलावा फिर एक और बुद्ध भी है हु केम इन 563 BC, यानी कि 2500 साल पहले। एक है 3800 ईयर्स एगो, एक है 2500 साल पहले। सो 563 BC गजर वो, और ये करीब 80 साल रहे। और इनका इनके अलग नाम है, एक तो आता है शक्त सिंह बुद्ध है, तो ये नाम भी है इनका आता है। एक है गौतम बुद्ध सिद्धार्थ, इस नाम से फिर ये विख्यात हुए। और इनका नाम था, इनके पिता का नाम था सुदोधन और माता जी का नाम था मायादेवी। सो इससे फिर ये दो बुद्ध हुए, एक है विष्णु अवतार बुद्ध और दूसरे हैं शक्त सिंह बुद्ध और गौतम बुद्ध। इससे आप अक्सर आजकल अगर आप बुद्धिस्ट को देखोगे ना, वो यूट्यूब वीडियो बनाते हैं इसी बात पे, हमारे बुद्ध जी का कोई कनेक्शन नहीं है इनके विष्णु अवतार से, नहीं थे वो विष्णु अवतार, नहीं थे वो, क्यों जबर से जोड़ रहे आप हिंदुइज्म से। वेल ऐसे बुद्धिस्ट के लिए खुशखबरी, हां जी वाकई में नहीं थे, दो बुद्ध हुए। आज मिठाई बांटेंगे, चलो हम मोगली लोगों ने डिक्लेयर कर दिया हमारे बुद्ध विष्णु अवतार नहीं थे, ठीक है जी। बट एक्चुअली लेकिन लेकिन ये महात्मा बुद्ध जो गौतम बुद्ध हुए, वॉज नॉट रियली गॉड बट ही अचीव द स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट। इन्होंने की इन्होंने एनलाइटन स्टेट को प्राप्त किया, लेकिन कहां प्राप्त किया, बोध गया में ही प्राप्त किया, जहां पर विष्णु अवतार जी का प्राकट्य हुआ है। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, नेपाल में। तो फिर ये बोध गया गए अल्टीमेटली एनलाइटनमेंट के लिए, और वहां पर इनको विष्णु अवतार जो बुद्ध है उनकी कृपा प्राप्त हुई, और वहां पर इनको पता लगा कि हालांकि जो बुद्ध अवतार हुए थे जिन्होंने शास्त्रों को तो किनारे नहीं किया, लेकिन अहिंसा की बात को आगे रखा, और उससे रिफॉर्मेशन हुई भी थी, लेकिन कलयुग वाले ऐसे जबरदस्त आइटम लोग, उसका फिर से पतन शुरू हो गया। जब फिर से पतन शुरू हुआ तो इस बार देख लिया कि लोग क्योंकि इतने एथिस्टिक हैं, नास्तिक विचारों वाले हैं, इसलिए अब शास्त्रों को किनारे करना पड़ेगा, बिकॉज शास्त्रों का मिसयूज बार 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 होता है। अरे लिखा तो है बलि के लिए, लिखा तो है शास्त्रों में, नहीं सर शास्त्रों के ऐसे सेक्शन भी है जो तामसिक लोगों के लिए, ऐसे सेक्शन भी है जो रास्तिक लोगों के लिए, ऐसे सेक्शन भी है जो सात्विक लोगों के लिए, और ऐसे सेक्शन भी है जो आपको परमहंस बनाएंगे। तो सब तरह के सेक्शन है, तो हम तामसिक वाले सेक्शन पे फोकस होके इसी को अपना सब कुछ मान लें, तो इसका मतलब आपकी मेंटेलिटी में गड़बड़ी है। तो क्योंकि मेंटेलिटी में ही गड़बड़ी है, कलयुग का प्रोडक्ट है क्या करें। तो इसीलिए फिर ऐसे लोगों को बिविल्डर करने के लिए उन्होंने क्या किया, शास्त्रों को नक्की कर दिया, कहता ये क्या, व्हाट इज दिस, शास्त्र वगैरह क्या होते हैं, यू शुड बिकम सीकर ऑफ द ट्रूथ। आजकल भी ऐसे गुरु जी हैं जो बोलते हैं यू शुड सीक द ट्रूथ, यस सीकर ऑफ द ट्रूथ। तो इससे बोलते हैं ओके यू नाउ यू सीक, मोटा मोटा तू कुछ सीक, ये पर्पस होता है बेसिकली। तो इससे आज ऐसे गुरु जी हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध से जब किसी ने पूछा डज गॉड रियली एग्जिस्ट, क्या भगवान का अस्तित्व वाकई में है, तो एक व्यक्ति आया उसने पूछा, तुमने बोला क्या तुम्हारा क्या विश्वास है, कहते हाँ मेरे को लगता है। महात्मा बुद्ध ने कहा नहीं है, नहीं है, यस जानो जाओ। एक और आया उसने बोला क्या भगवान का अस्तित्व है, महात्मा बुद्ध ने पूछा तुमको क्या लगता है वैसे, मेरे को लगता है नहीं है, भगवान जैसा कोई नहीं होता। महात्मा बुद्ध बोला होते हैं। अच्छा या सीख, तो बेसिकली रूढ़िवादिता वाला जो भाव है उससे बाहर निकालने के लिए महात्मा बुद्ध ने फिर ये शिक्षा दी, ओके नाउ यू शुड सीक द ट्रूथ। पर भाव ये था कहीं ना कहीं सीक करते 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 किसी संत महात्मा से मिलेंगे तो फिर सीख जाएंगे, यस। तो यू शुड सीक द ट्रूथ, यू शुड सीक द ट्रूथ, क्योंकि अब शास्त्रों का तो मिसयूज हो गया, चलो कोई बात नहीं। एक तो होता है बुक भागवत, एक होता है पर्सन भागवत। बुक भागवत का तुम मिसयूज करने में उस्ताद हो चुके हो, ये तो कोई बात नहीं, ऑल राइट, फिर आपको हम पर्सन भागवत से मिलाने का के लिए एक रास्ता दिखाते हैं, यस शुड सीक द ट्रूथ। इसलिए फिर इस तरह से इनके बारे में चर्चा आती है। हालांकि भगवान बुद्ध विष्णु अवतार बुद्ध के बारे में बहुत लीलाएं नहीं आती, लेकिन हालांकि जो गौतम बुद्ध है इनकी भी जीवन से बहुत कुछ शिक्षा देने के लिए है। तो इनका जब जन्म हुआ था तो इनकी माता श्री जो माया देवी थी, माया देवी इज नॉट रियली माया देवी, हम बोले अच्छा मतलब माया की कोख से जन्म लिया, ना नहीं ऐसा नहीं था, शी वाज प्योर। और जब इनका जन्म होने का था तो उस वक्त सपने में इनको 6 दांतों वाला हाथी आया करता और बताया करता था बहुत विशेष जीवात्मा आपके पास आपकी कोख में जन्म लेने वाली है। और जब ये कोख में थे उस वक्त उनकी माताश्री को कोई लेबर पेंस नहीं हुआ करती थी, और जब उनका जन्म हुआ, जब पहली बार उन्होंने चलना सीखा, तो जहां जहां उन्होंने कदम रखा वहां पर कमल के पुष्प भी खिले,
ऐसा। साथ ही उनके पांव में 12 चक्र थे जिनको देखकर एस्ट्रोलॉजर ने बोला ये बहुत ही महान दार्शनिक बनेगा। कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने बताया कि ये या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा संत बनेगा, ऐसा होगा। तो अब जो इनके पिताजी थे सुदोधन, उन्होंने कहा राजा बने तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन संत ना बन जाए। मतलब माता पिता को जो डर होता ना, हमारा अच्छा ब्रह्मचारी ना बन जाए, वो उस वक्त भी था, हमेशा से रहता है, क्या करें जी। तो फिर और उसके बाद फिर ना एक जो महात्मा थे उन्होंने एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने कहा कि अगर ये कभी देख लेगा किसी व्यक्ति को मरते हुए, मृत बॉडी देखेगा, और या फिर कभी देख लेगा किसी बूढ़े व्यक्ति को या किसी बीमार व्यक्ति को, अगर कभी जब देख लेगा, और एक भिक्षुक को देख लेगा, इन चारों को देखने के बाद इसका जीवन बदल जाएगा। तो पिताजी ने सोचा चाहे कुछ हो जाए मैं इसके जीवन में ये सब चीजें के दर्शन इसको करने नहीं दूंगा। तो इसने महल था, महल की बाउंड्री थी, महल की बाउंड्री के अंदर सारे के सारे इंद्रिय भोग के वस्तुएं भर दी राजा सुधोधन ने, कि सिर्फ जवान लोग दिखने चाहिए, सिर्फ खूबसूरत लोग दिखने चाहिए, और भिक्षुक गेट के अंदर एंट्री ना करने पाए, ये बस दैट्स इट। एंड देन ही लिव्ड वेरी नाइस लाइफ। उसके बाद उनका विवाह वगैरह हुआ, एंड देन ही लिव्ड लाइक दैट। सो एक समय ऐसा हुआ कि ना उनको महल के एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाना था, लेकिन जब दूसरे सेक्शन में जाना था तो वहां एक पेड़ गिरा हुआ था, पेड़ गिरा तो वहां से वो नहीं जा पा रहे थे। अब क्या करें? तो माता, तो फिर सिद्धार्थ उस वक्त उनका नाम था, उन्होंने बोला चलो ठीक है इस रास्ते चलते हैं। तो उनका जो चैरियट ड्राइवर था उसका नाम था चन्ना, उसने बोला नहीं, राजकुमार हमको इसी रास्ते जाना है। कहते नहीं पर कैसे जाएंगे, यहाँ तो पेड़ गिरा हुआ है ना, यहाँ से कैसे जाएंगे, तो वहीं से चलेंगे। नहीं, राजकुमार वो अलाउड नहीं है उस रास्ते जाना, ऐसे कैसे, चलो मेरी आज्ञा है तुमको। तो जब लेकर गए तो वहां पर एक व्यक्ति था और उसको ना कोड़ हो रखा था, कोड़ हो रखा था। तो माता ने कहा ये कैसा व्यक्ति है? तो बोला माता बोले इसको ना बीमारी है, इसको बीमारी बोलते हैं। बीमारी? ये क्या चीज होती है चन्ना? कहते ये किसी को भी हो सकती है, शरीर की बीमारी भी होती है, मन की बीमारी भी होती है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बड़ा कष्ट होता है इसके अंदर। अच्छा, और आगे बढ़े व्यक्ति बहुत झुका हुआ था, हाथ में लाठी लिया हुआ था, उसके पिछहरे पे झुर्रियां थी, उसकी आंखें आंखों सॉकेट के अंदर गई हुई थी। चन्ना ये क्या है? चन्ना ने बोला सिद्धार्थ जी, राजकुमार जी, ये बूढ़ा व्यक्ति है। कहता बूढ़ा व्यक्ति, ये क्या होता है? कहते बुढ़ापा आता है, जब जवानी खत्म हो जाती है ना तो बुढ़ापा आता है। तो मेरे को भी आएगी? सबको आती है, आपको भी आएगी। अच्छा, उसके बाद फिर आगे दिखाया एक कुछ लोग जो है अर्थी लेके जा रहे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, और लाश है, लाश की नाक में रुई डली हुई है। इसकी नाक में रुई क्यों डाल दी, ये क्या है? राजकुमार ये मृत्यु है, अरे मृत्यु है, ये क्या होती है? ये जब बीमारी आती है, बुढ़ापा आता है, उसके बाद ये तो आती आती है, बाकी तो आए ना आए, ये तो पक्की आती आती है। अच्छा, सबको आती, कहते हैं तुमको भी आएगी, मेरे को भी, सबको आएगी। हाँ सबको आएगी राजकुमार। अच्छा तो ये बहुत कष्ट की स्थिति है। हाँ राजकुमार, मृत्यु होती है तो सिर्फ 40,000 बिच्छू काटने का आनंद मिलता है। 40,000 बिच्छू काटने का आनंद, सॉरी कष्ट, इतना दुख है जगत के अंदर। कहते हाँ राजकुमार, बहुत दुख है जगत के अंदर। तभी जो है उन्होंने एक भिक्षु को देखा, उसके हाथ में कटोरा है, एक हाथ में कटोरा है, दूसरे हाथ में जपमाला है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाद में देखा ये कौन है और ये कितना खुश है, मेरी सुंदर पत्नी है, मेरे मेरा बच्चा है राहुल नाम का, मेरा घर परिवार है, लेकिन इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली जितना चेहरे इसके चेहरे पे खुशी है, ये कौन है? तो चन्ना ने बताया कि राजकुमार ये भिक्षुक है, इसके पास कुछ भी नहीं है, वैसे तो धन धनाढ्य ऐश्वर्य संपत्ति कुछ भी नहीं है, लेकिन ना इसको प्रभु की लगन लग गई इसको, तो इसके पास भाई रूप से ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन इसके पास आध्यात्मिक ऐश्वर्य है, इसलिए जो इसका सुख है ऐसा सुख किसी के पास नहीं होगा। अच्छा, तो यानी सुख के लिए भिक्षुक बनना चाहिए जी। अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद फिर हालांकि वापस तो आए, लेकिन वापस आकर के ना ही सोचते रहे कि यहां मैं आसपास हूं, चारों ओर सुंदर दिखने वाले लोग हैं, ये संसार में बहुत कष्ट है, सारे बहुत कष्ट है, कैसे कैसे निकला जाए। और वो भिक्षुक का चेहरे बार बार आए, वो भिक्षुक वो कितना आनंद में था, भिक्षुक बनना चाहिए।
तो घर में हालांकि ये सब बढ़ा, लेकिन ऐश्वर्य वैभव बढ़ रहा है, पिताजी ने और सप्लाई दी, लेकिन अब इनका मन तो वहां अटक गया इनका। सुन दिस पे, एट द एज ऑफ 29 ही वॉज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म। तो देख लिया कि जो भिक्षुक होते हैं ये सब बहुत मेहनत इत्यादि करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं लोग, और तपस्या करके तपस्या के बल पे फिर ये एनलाइटन होते हैं। तो घनघोर तपस्या की, बहुत घनघोर तपस्या की सिद्धार्थ ने, तपस्या इतनी ज्यादा की कि इनके साथ ही कुछ लोग थे वो छोड़ के चले गए कि इतनी तपस्या हम भी नहीं कर पाएंगे। सुपर स्टारवेशन की सिर्फ हड्डियां ही नजर आ रही थी, आते नजर आ रही थी, एक बस स्किन का एक लेयर बाकी थी बस, और कुछ नहीं। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी, 6 साल उन्होंने ऐसे तपस्या की लेकिन उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। उस बार सुजाता नाम की एक माता जी आए, उन्होंने उनको थोड़ी छाछ दी एंड उन्होंने छाछ भी ली। तो उनके कई जो शिष्य थे जो सोचे बैठे थे हमारे गुरु जी बहुत विरक्त हैं, हम तो इतना नहीं कर सकते, बस हम देख ही सकते हैं, गुरु जी वेरी विरक्त। उन्होंने देखा जब छाछ पी रहे हैं और वहां से चल दिए वो, करें ये क्या। एंड देन मेनी ऑफ हिज फॉलोअर्स लेफ्ट हिम बिकॉज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। जय श्री रुक्मणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलि सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन की जय, गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय, श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। सो नाउ ही चोज द मध्यम मार्ग, यानी कि पहला जो मार्ग था सबसे पहला वो है एक्सट्रीम सेंस एंजॉयमेंट का मार्ग, जो कि एज अ सिद्धार्थ एज अ हाउस होल्डर ही लिव्ड सुपर सेंस एंजॉयमेंट। उसका फिर 6 साल एक्सट्रीम रिनंसिएशन, ये दूसरा एक्सट्रीम, लेकिन ना इसमें एनलाइटनमेंट ना इसमें एनलाइटनमेंट, मध्यम मार्ग। सो मध्यम मार्ग का पालन करने के लिए फिर ये गए बोध गया। सो बोध गया में रह के जो उन्होंने साधना तपस्या इत्यादि की जिससे उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई। ऑफकोर्स एनलाइटनमेंट क्या है इसे भी हम चर्चा करेंगे, क्या ये स्वरूप सिद्धि वाले एनलाइटनमेंट है या कोई दूसरी वाली एनलाइटनमेंट है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे बाद में। सो दिस वे ही बिकेम एनलाइटेंड, और ये एनलाइटनमेंट प्राप्त करके उन्होंने फिर मध्यम मार्ग को सजेस्ट किया। और मध्यम मार्ग कहां सजेस्टेड है, श्रीमद् भगवद गीता के अंदर, युक्तहार विहारस्य युक्त कर्म चेष्ट। तो वास्तव में जितना भी आप कार्य करने हैं आपको वो युक्त होने चाहिए, इन द सेंस मध्यम मार्ग, बहुत ज्यादा सोना नहीं, बहुत कम सोना नहीं, बहुत ज्यादा खाना नहीं, बहुत कम खाना नहीं, आहार विहार इत्यादि के अंदर बीच का रहना चाहिए। बीच का मार्ग जो है वो प्रैक्टिकल मार्ग है, मध्यम मार्ग। सो इस तरह से फिर उन्होंने मध्यम मार्ग को ही प्रोपगेट किया। बट यस, ही वाज ऑलवेज देयर टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ अहिंसा। अब ये जो भी कार्य कर रहे हैं, हालांकि इनकी फिलोसफी जो ओरिजिनल बुद्धा है उनसे थोड़ी मिलती भी है और काफी हद तक अलग भी है। ओरिजिनल जो बुद्धा है, विष्णु अवतार बुद्धा है, उन्हें बस भक्ति पे इतना फोकस नहीं किया, अहिंसा पे फोकस किया। ये भी अहिंसा पे फोकस करेंगे और शास्त्रों को ही किनारे रखेंगे, जस्ट सीक द ट्रूथ। तो ये दोनों मंत्र हालांकि बस ही, बट अदरवाइज यस ही ऑल्सो मेड पीपल कामर। कई ऐसे लोग थे जो कि उनके पास आए, जैसे एक समय उनके पास, जैसे अंगुली वाले कथा सब जानते हैं, अंगुली माल ने 999 उंगलियां इकट्ठी कर ली, जिसको मारेंगे उसकी एक उंगली लेंगे और उसकी माला पहनेंगे वो। तो देखा, अरे जब महात्मा बुद्ध को देखा, कहते अरे ये तो बहुत बढ़िया है, 1000वीं उंगली स्पेशल होनी चाहिए थी, स्पेशल उंगली मिलेगी यहां से। लेकिन महात्मा बुद्ध के संपर्क में आ करके, उनकी उनसे बातचीत सुन करके, उनसे टीचिंग्स लेकर के, ही बिकेम एब्सोल्युटली नॉन वायलेंट। सो ही गॉट ट्रांसफॉर्म्ड, सो दैट वाज द पोटेंस ही वाज कैरिंग। सो इस तरह से हम देखेंगे ना, ये जो बुद्ध है, ही इज शाक्तावेश अवतार ऑफ द लॉर्ड, यानी कि है तो ह्यूमन बींग, लेकिन भगवान की कृपा के बिना, भगवान की शक्ति के आवेश के बिना कोई व्यक्ति एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्य नहीं कर सकता। तो इसलिए सो सर्टली ही इज एम्पावर्ड बाय सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। और यहां पर इनको विष्णु अवतार बुद्ध का भी आशीर्वाद मिला है, उनकी कृपा मिली है उनको। और एक समय ऐसा हुआ उनको बहुत प्यास लगी, तो एक एक लेडी थी उसके पास गई, थोड़ा पानी पिला दोगी। लेकिन मैं नीची जाति की हूँ, क्या नीची जाति की औरत का हाथ का बर्फ का कि हाथ से आप पानी पी लेंगे? बोले नहीं नहीं मैंने तुमसे तुम्हारी जाति नहीं मांगी या पूछी नहीं, मैं तुमसे पानी मांगा है, तुम्हें पानी चाहिए। अच्छा, लेकिन क्या आपको, लेकिन आप तो संत है, अक्सर हमने ऐसे देखा है ब्राह्मण वाले संत जो होते हैं वो कहते हैं अरे तू तो नीची जाति की है, लेकिन आप अलग ही संत हैं। तो इस प्रकार से उसको बहुत प्रेरणा मिली महात्मा बुद्ध के इस चरित्र से। एक समय ऐसा हुआ वो एक बहुत ही रिच फैमिली में गए थे, और रिच फैमिली में जो वहां की क्वीन थी, महात्मा बुद्ध की सेवा करनी थी वो, तो जो नौकरानी थी वो अपने साथ एक टम्बलर के अंदर, एक मटकी के अंदर लेकर जा रही थी, खाना लेकर जा रही, तो उसके हाथ से गिर गया वो, गिर गया। अब मालकिन बहुत गुस्सा करेंगी, बिकॉज मालकिन जो है धो देती है हल्की सी गलती हुई भी,
लेकिन मालकिन मुस्कुराई, कोई बात नहीं। अरे जब महतापुत चले गए, मेरा मालकिन, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि मैंने खाना गिरा दिया फिर भी आप क्रोधित नहीं हुई? कहते हाँ, यही नहीं, मेरे 12 बेटे हैं वो मर गए हैं, मेरा पति मर गया है, कोई बात नहीं। इतना ज्यादा चेंज? हाँ, वैसे मैं बहुत ही ज्यादा झगड़ालू थी, लेकिन जब से मैं महात्मा बुद्ध के संपर्क में आई, आई बिकम लाइक दैट। तो इस प्रकार से ही वुड ट्रांसफॉर्म मेनी पीपल। एक समय ऐसा हुआ कि हाथी था, वो एक राजा का हाथी था, और स्वभाव दलदल में फंस गया था वो। तो कई लोगों ने उसे निकालने का प्रयास किया, पर वो बहुत बड़ा हाथी था तो निकाल नहीं पा रहे थे। तो महात्मा बुद्ध के पास आए, तो महात्मा बुद्ध ने बोला नगाड़े बजाओ, बाहर आ जाएगा ये। जैसे नगाड़े बजाओ, हाथी बाहर आ गया। सबने कहा अरे ये महात्मा बुद्ध, ये आपने कैसे ढूंढ निकाला? उन्होंने बोला जो बद्ध जीवात्मा है उसके लिए बाहरी वातावरण उसके आंतरिक वातावरण को इम्पैक्ट करता है। जैसे बाहरी वातावरण में मैंने नगाड़े बजा दिए तो उसको लगा युद्ध हो रहा है, बस बाहर आ जाओ, अब उसको बाहर आ गया वो। जैसे हम जब जपा करते हैं, हमारे लिए बाहरी वातावरण इंपॉर्टेंट है। अगर आस पास चहल पहल हो, लोग आना जाना गपबाजी कर रहे हो, जब हाँ हरे कृष्ण हरे, क्या होगा, कुछ नहीं। तो बाहर का वातावरण आंतरिक वातावरण को इम्पैक्ट करता है। जैसे कभी भी लोग क्या करते हैं, जब मानसिक तनाव में होते हैं, कहते हैं भाई कोई चेंज करते हैं, कोई घूम के आते हैं, चलो शिमला वगैरह कहीं घूम करके आते हैं, तो घूम कर आते थोड़ी शांति मिलती है, फिर वापस आते हैं, फिर उसी के अंदर। बट यस, बाहरी वातावरण इंपैक्ट करता है। जैसे अगर आप सरल कपड़े पहनते हैं, अगर दैट इंपैक्ट्स योर कॉन्शियसनेस, ऐसा। ओके, ऐसा ही एक समय किसी घर में गए वो, तो वहां पर जो माता जी थी वो तो सेवा कर रही थी महात्मा बुद्ध की, लेकिन उसका पति आया, वो था खरांट आदमी था वो। कहता भाई काम चोर आदमी, काम की ना काज के दुश्मन सौ अनाज के, कोई काम भी कर लिया करो तुम। और महात्मा बुद्ध उसके बाद देखिए मुस्कुराए, खाना खाया, अरे अभी भी खा रहा है तू, है बेशरम। उसके बाद जाके उसने महात्मा बुद्ध के मुख पे थूक दिया, तो महात्मा बुद्ध ने अपना चेहरा साफ किया और वहां से मुस्कुरा के चल दिए। तो हैरान है कि वो व्यक्ति, कहते इस व्यक्ति के अंदर कोई गुस्सा कोई हुआ ही नहीं कुछ, ऐसा कैसे? तो महात्मा बुद्ध के पास गया, कहते हैं महात्मा जी, हम हमारे अंदर तो बहुत ही द्वेष भरा था, लेकिन आप बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए, ऐसा कैसे? मैंने आपको इतनी गाली दी, इतनी गाली दी। तो महात्मा बुद्ध ने बोला अगर कोई किसी को चिट्ठी देता है, लेकिन चिट्ठी अगर जिसको रिसिपियंट है उसके पास पहुंची ना हो, तो क्या होता है, वापस पहुंच जाती है ना उसके पास। उस तरह से आपने गाली गलौज किया, लेकिन मैंने दिया ही नहीं उसको, तो आपके पास ही वापस चला गया वो। अगर कोई सूरज को थूके, सूरज तो लेता नहीं उसको, तो कहां पे जाती थूक? तो मैंने तो वो सब लिया ही नहीं। तो एक्चुअली कुछ टीचिंग ना, एक्चुअली हम सब मतलब बहुत काम किया हमारे भी, हम क्योंकि देखा बकलो बुरा मान लेते हैं थोड़ी थोड़ी बात का, कोई बोल दे कुछ हल्का बुल्का बोल दे तो जल्दी बुरा लग जाता है बहुत। स्पेशली नियो फाइट डिवोटी होते हैं ना, नौ सखी, नौ सखी को तो बहुत जल्दी बुरा लगता है। अरे मान, अपना अपमान, थोड़ा सा कोई ये जन्माष्टमी कार्ड ना मिले, या आपको एक भक्ता कोई गमछा कोई और यूज कर ले, अरे उसी में सुतली में आग लग जाती है इनकी। छोटी छोटी बात का बुरा मानते हैं लोग, छोटी छोटी बात का, बच्चे जैसे हैं। न्यू फाइट का मतलब ये है, हर रोज जिसके जीवन में न्यू फाइट, एक नया संघर्ष, न्यू फाइट, इसलिए बोलते हैं उसको न्यू फाइट डिवोटी। सो ये वहां तो मुझसे सीखने के लिए है कि भी सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो इस पे थोड़ी हम उसको दिल पे लेकर मरते रहेंगे, अपना जपा खराब करेंगे, तो जपा भी खराब करते हैं अपना कई दिनों तक। अरे भाई सर मैंने कुछ लिया ही नहीं, जब मैंने कुछ लिया ही नहीं, दैट्स इट। नहीं लिया मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई कोई चीज है जो जेब में नहीं ली, इसका मतलब है किसी व्यक्ति के जो भाव है, उसके एटीट्यूड, उसके उसके वैल्यू सिस्टम को, उसकी नेगेटिविटी को अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं लिया, अपनी कॉन्शियस में नहीं लिया। लेकिन हालांकि लोग बोलते कहते हैं लेकिन प्रभु जी बात तो सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब कोई सामने वाला सुना रहा होता है ना, लग जाती है, लेकिन आग लग जाती है, लेकिन आई एम सो इनफ्लेमेबल, मेरी बहुत ऐसी ऐसी लगती है, मतलब पूरा भट्टी बन जाता हूँ, पूरा जसपाल भट्टी बन जाता हूँ मैं। तो ये चीज आती है स्पिरिचुअल पोटेंसी से, स्पिरिचुअल पोटेंसी। अगर स्पिरिचुअल पोटेंसी नहीं है तो भले ही सामने वाले को आप सोचोगे नहीं मैं अफेक्ट नहीं होऊंगा, मैं अफेक्ट नहीं होऊंगा, मैं अफेक्ट हो गया हूं। स्पिरिचुअल पोटेंसी के बिना नहीं कर पाते, तो इसलिए अच्छी ये बात सुनने में अच्छी लगती है। जब कोई नेगेटिव बोले हम लेंगे ही नहीं, लेंगे नहीं, लेकिन तो लेके घूम रहे आज भी, लेंगे नहीं, लेंगे लेके लेके घूम रहे आज भी, ले रहे। हाँ, तो इसीलिए ज्यादातर चीजें लोग मन में लेकर के घूमते हैं,
ऐसा मुझे याद है, मैं एक समय इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में था। सो वहां पर हम लोग कीर्तन कर रहे थे। तो वहां पर ना कुछ विदेश के, कुछ जर्मनी से कुछ स्टूडेंट्स आए हुए थे। तो कीर्तन होता था, कीर्तन में सब डांस करना शुरू कर दिया। डांस करे तो सबने रेलगाड़ी बना दी। रेलगाड़ी में बनाई तो फिर उसमें एक माता जी थी, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख दिया, ठीक है। और मेरा हाथ अली प्रभु के कंधे पे है। अब रेलगाड़ी बनी, अब रेलगाड़ी में अब हमने तो देखा नहीं भी किसका हाथ है, ठीक है। अब रेलगाड़ी जो 2-4 बार घूम ली तो उसके बाद मैं देखा, अरे तो वही माता जी है। तो उसके बाद फिर हम नीचे आए, प्रसादम के लिए आए, प्रसादम हॉल में। तो एक मेरे मित्र बोले, कहता हम मोगिला बाबू, आज तो माता जी ने कंधे पे हाथ रखा आपके, उनके साथ रेलगाड़ी बना ली आपने। तो मैंने कहा, वेल माता जी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा था, वो तो टेम्पल हॉल तक था, लेकिन उनका हाथ तेरे को अभी तक छुआ हुआ है, तो देख गड़बड़ी कहां पर है। ये हमारा टेम्पल हॉल का एपिसोड तो हो गया खत्म, तेरा एपिसोड अभी तक चल रहा है। अरे यार, अमोगिला प्रभु के कंधे पे जर्मन की लड़ी, जर्मनी की लड़की थी यार, सोनी कुड़ी थी यार। अरे अरे लाल, तुम्हारे तो मन में आग चल रहा है यार। तो सारा खेल जो है ये मन का है वास्तव में। वंस ही वेंट टू वन प्रोस्टिट्यूट, एक प्रोस्टिट्यूट के पास गए। तो भक्तों ने बोला, जो उनके शिष्य थे, बोला गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हैं। तो महात्मा उनकी ओर मुस्कुराए, एंड देन ही वेंट इनसाइड द प्रोस्टिट्यूशन हाउस, और वहां पर रहे भी रात भर। अब तो शिष्यों को लगा गुरुदेव भटक गए, प्रोस्टिट्यूट के चक्कर में आ गए। लेकिन अगले दिन सुबह जब महात्मा बुद्ध निकले, साथ साथ वो प्रोस्टिट्यूट भी निकली, उसने भी सैफरॉन कपड़े पहने थे। सैफरॉन नहीं, जो उनका जो क्रिम्सन रेड कपड़े हैं वो पहन करके भारे, एंड शी वाज शेवन हेडेड। अरे ऐसा कैसे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बिकॉज माई रियलाइजेशन आर मोर पावरफुल देन हर कंटेमिनेशन। जो मेरी शुद्धता के, जो मेरे साक्षात्कार है, वो इसके दूषित भावों से ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इसीलिए हम भी अगर प्रीचिंग करने के लिए जाते हैं, प्रीचिंग करते वक्त अगर हमारी खुद की भक्ति कमजोर है, तो हम सामने वाले का शिकार हो जाएंगे। यस, कबड्डी कबड्डी में ना उतना ही अंदर घुसना चाहिए जितने में खुद जिंदा वापस आ जाए। अगर ज्यादा कबड्डी कबड्डी करे, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, सबने पकड़ लिया कबड्डी 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 कबड्डी, तो इसलिए पाले में उतना ही घुसना चाहिए जितने में खुद वापस आ जाए, यानी अंदर गए तो ज्यादा गबरू नहीं बनना चाहिए। अगर आप किसी को नहीं छू पाए, कोई बात नहीं, खुद जिंदा वापस आना जरूरी है। एक कद को छू के आ गए आप, लेकिन ज्यादा नहीं घुसना चाहिए, मेरे को कुछ नहीं होगा, आई एम वेरी पावरफुल, आई एम वेरी पावरफुल, वही उनकी लुटिया डूबती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दारा सिंह जैसा हो, फिर तो वो मैदान में जाए, कबड्डे 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 लपक लो इसके ऊपर, पूरी टीम लपक गई, पूरी टीम को लेकर के वापस हमने पाले में आ जाए, कबड्डे कबड्डे लो जी, मैच खत्म। लेकिन ऐसे दारा सिंह है कौन, हमारे श्री प्रभुपाद जी, हमारे प्रभुपाद जी गए कबड्डी कबड्डी करते करते अमेरिका गए हैं, कबड्डी कबड्डी, हरे कृष्णा हरे। अमेरिकन, यूरोपियंस, अमेरिकन, सब सब अफ्रीकन, सब चिपक लिए, कूद जाओ स्वामी जी के ऊपर, आ जाओ आ जाओ। और फिर प्रभुपाद जी इनको लेके गोलोक आ गए, कबड्डी कबड्डी। तो इसीलिए हाँ, खेल उतना ही खेलना चाहिए जितना खुद जिंदा वापस आ जाओ, ऐसे पाले में नहीं जाना चाहिए जहां खुद शिकार हो जाओ। यस, तो महात्मा बुद्ध क्योंकि उनके अंदर ये हैड दिस स्पिरिचुअल पोटेंसी, तो प्रोस्टिट्यूशन में हाँ जा करके, प्रोस्टिट्यूट के पास जाके उसको कन्विंस करके, भक्त बना करके अपने पाले में लेकर के आ गए। सो दैट्स व्हाई दोस हु हैव स्पिरिचुअल पोटेंसी, प्राण आछे यार से हेतु प्रचार, जैसे भक्त हमारा बोला करते, दोस हु हैव स्पिरिचुअल पोटेंसी दे कैन डू भक्ति, दे कैन डू प्रीचिंग। प्रीचिंग करने के लिए शक्ति चाहिए होती है। ओके, साथ ही ऐसा हुआ, एक समय एक राजकुमार आया उनके पास। बोला मैं ना मैं पिताजी कमाई खा खा के तंग आ चुका हूँ। सब लोग ही बोलते हैं, अरे तू तो उनका बेटा है ना, चल तेरी तो ऐश है, अरे तू तो उनका बेटा है, चल अरे चल तेरी तो ऐश। मैं खुद कुछ करना चाहता हूं, मैं क्या करूं, मैं अगर अपनी कैपेसिटी की डबल मेहनत करूं तो मुझको सफलता प्राप्त करने में कितना टाइम लगेगा। माता बुद्ध ने बोला 10 साल। 10 साल, अच्छा अगर मैं तिगुनी मेहनत करूं तो। बोला तो फिर 20 साल।
अच्छा, अगर मैं अगर 3 गुनी मेहनत करूं तो फिर 30 साल। अच्छा, ऐसा क्यों? अगर मैं खुश रहना चाहता हूं, जितनी मेहनत करूंगा उतनी खुशी मिलनी चाहिए ना मेरे को। महात्मा ने कहा नहीं, खुशी जो है बाहर आप कितने सक्रिय हैं इससे खुशी नहीं मिलती, आप अंदर कितने सक्रिय हैं इससे खुशी मिलती है। और आपकी लाइफ स्मूथ बन जाती है जब आप अंदर अपने पे कार्य कर रहे होते हैं। सो आपकी इंटरनल बैटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बतख होती है ना, बतख बाहर से बहुत आराम से नजर आ रही होती है, लेकिन अंदर पाँव मार रही होती है वो। यस, अंदर पाँव मार रही है वो। यस, तो इसीलिए हमें भी अंदर पाँव मारते रहना चाहिए, अपने ऊपर कार्य करते रहना चाहिए। हाँ, माई चैंटिंग, माई रीडिंग, माई हियरिंग इज गोइंग वेल, तो बाहर आपकी नैया बड़ी स्मूथ चलेगी। पर जो अंदर पाँव मारना शुरू बंद कर देंगे अगर, तो ऐसे में नैया हमारी रुक जाएगी। सो इसीलिए वन शुड वर्क ऑन वन इनर सेल्फ। तो इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम बाहर कुछ करना चाहते हो, बाहर झंडे गाड़ना चाहते हो, अंदर झंडे नहीं गाड़ना चाहते। इससे तुमको जितनी मेहनत करोगे उतना आनंद प्राप्त करने में तुम्हें और टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा। तो इसलिए बाहर बाहर बहुत मेहनत नहीं करनी चाहिए, अंदर मेहनत करनी चाहिए। इससे पूछा किसने, श्री प्रभुपाद जी से, श्री प्रभुपाद इंडिया तो पुण्य भूमि है, लेकिन हम देखते हैं यहां पर एक्सट्रीम वेदर्स हैं, इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी सर्दी पड़ती है यहां पर, और विदेश में जाओ सुहाना सुहाना मौसम है, यूरोप में जाइए, आ रहे हैं क्या बात है। देखिए ये लोग बीफ खाते हैं, ये सब गंदे काम करते हैं, क्या क्या नहीं, उग्र कर्म में उस्ताद हैं ये लोग। ऐसा क्यों? वहां मौसम अच्छा यूरोप के अंदर, हम हमारे इंडिया में, हमारे यहाँ मौसम अच्छा होना चाहिए। रूपा जी बोला भगवान की इच्छा से इंडिया के अंदर एक्सट्रीम वेदर्स रहते हैं, बहुत अधिक गर्मी, बहुत अधिक सर्दी। क्योंकि बहुत, जब गर्मी होती है बहुत सर्दी होती है, व्यक्ति कहता है बाहर कहाँ जाए जी, घर में ही बैठो अब। सो भगवान चाहते थे कि इंडियंस बाहरी रूप से ज्यादा सक्रिय ना हो, आंतरिक रूप से सक्रिय हो और आत्म साक्षात्कार को लेकर के कार्य करें। होता है क्या, मौसम जो अच्छा होता है काम करने मन करता है, अरे यार मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है जी, हो जाए पकौड़े शकौड़े, और उसके बाद बाहर निकले पकौड़े शकौड़े खाकर, और बाहर उग्र गर्म करेंगे। बाहर मौसम का टेढ़ा मेढ़ा रहेगा ना, कहेंगे अरे अंदर रहो यार, चपई कर लो, मौसम बहुत बेकार हो रखा है। सो ये आशीर्वाद है भगवान का कि इंडिया के अंदर एक्सट्रीम वेदर रहते हैं और यूरोप में मौसम अच्छा है, ए पार्टी गाइस, तो इसलिए इंद्र तृप्ति में वो लिप्त रहते हैं वो इस तरह से। ऐसा, और ऐसे एक समय उनके पास एक लेडी आई थी, शिव तो कहीं उस पर, उस लेडी ने क्या किया, उनको एक झूठा सेब दिया, सेब खा रही थी वो और एक सेब दिया उनको, क्योंकि वो कुछ देना चाहती थी। लेकिन जैसे उन्होंने महात्मा बुद्ध को देखा, नहीं मैं दूं क्या, मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं क्या दूं, तो उसने क्या किया, वो सेव ही दे दिया। और महात्मा बुद्ध ने बाकी जो हीरे जेवरात वो सब आए थे बाकी लोगों से, वो किनारे कर दिए, लेकिन इस सेव को स्वीकार किया। तो शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने बोला कि ना, महात्मा बुद्ध ने बोला कि बाकी सब लोगों ने जो दिया वो अपनी कैपेसिटी से कम दिया, बहुत कुछ दे सकते थे, उसका 1% 2% दिया, लेकिन ये जो लेडी है, जो ओल्ड लेडी है, जो भिक्षुक है, इसके पास कुछ है ही नहीं, इसका जो कुछ भी था उसने दे दिया, उसका एक जो बस सेव था, बस ये भी उसके पास और कुछ नहीं था, उसने अपने 100% दे दिया। तो इसलिए वो जो 100% देने का जो भाव है, मैं उसको ऑनर कर रहा हूं, एंड दैट्स व्हाई मैंने उस सेव को मैंने पहले स्वीकार किया। तो इसे यानी कि किसी भी चीज के पीछे भावना क्या है हमारी, भावग्रही जनार्दन। तो भगवान भी देखते हैं कि भाव जिसका अच्छा होगा वो स्वीकार करेंगे। अगर कोई 64 वाला करता है रगड़ा मार, एरा रा रा रे रा 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 64, इससे बढ़िया है 16 माला गुरु अच्छे से ध्यान से करता है। सो भगवान जो है भावग्रही जनार्दन, उसकी 16 माला को ज्यादा प्रेम से स्वीकार करेंगे, बजाय कि किसी की 64 या जो रगड़ा मार 64 या है ना ना ना। सो भगवान है भावग्रही जनार्दन है वास्तव में। तो इस प्रकार से इन्होंने भाव को ही स्वीकार किया। और महात्मा की आपने एक तस्वीर देखी होगी, महात्मा जिसमें लेटे हुए ऐसे करके, लाइंग डाउन ऐसे लेटे हुए हैं, और वही उनका समय था वेयर ही एक्चुअली डिड हिज फाइनल पास्ट टाइम्स और वाइंडिंग अप हिज पास्ट टाइम्स, इस प्रकार से। और उस वक्त फिर उन्होंने जो 6 चीजें बताई जो कि सबको करनी चाहिए, विच इज नो किलिंग यानी किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, नो स्टिलिंग चोरी नहीं करनी चाहिए, नो सेक्सुअल मिसकंडक्ट किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, नो हर्टिंग किसी के हृदय को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, नो इंटॉक्सिकेशन नशा नहीं करना चाहिए, एंड नो ब्राइबरी रिश्वत नहीं देनी चाहिए। ये उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी फॉर एवरीवन। और महात्मा बुद्ध के जाने के बाद उनकी टीचिंग्स को कंपाइल करने के लिए 4 अलग अलग मीटिंग्स हुई ताकि उनकी टीचिंग्स को कंपाइल किया जा सके, और इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था उन्हीं के एक रिश्तेदार था, रिश्तेदार का उनका नाम था आनंद।
अब कई उस ऐसा था जो लोग एनलाइटेंड हो चुके थे, अब उनको टीचिंग तो याद नहीं थी, देवर सीमिंगली देवर एनलाइटेंड, लेकिन औरों को शिक्षा देने के लिए आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, यू आर टू बी देयर। तो उसे एक व्यक्ति था जो कि हमेशा महात्मा बुद्ध के साथ रहा, और वो व्यक्ति थे आनंद, जो कि वैसे तो उनके मामा के जैसे लगते थे वो, मतलब उनसे एल्डरली थे, लेकिन उन्होंने ना बोला था कि ना मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बिकम योर डिसाइपल। उन्होंने बोला ठीक है, पर मेरी ना एक रिक्वेस्ट है, आप जहां कहीं भी जो कुछ भी बोलेंगे आई हैव टू बी देयर, इवन आप किसी के साथ वन टू वन ही मीटिंग कर रहे हैं ना, आई हैव टू बी देयर, आई विल बी देयर। महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है ओके। तो इससे आनंद ने ना भगवान जो भगवान की महात्मा बुद्ध की जितनी भी टीचिंग्स थी उनको सुना था। तो एक तो ये था कि इन टीचिंग्स पे कॉन्टेम्पलेट करें एंड देन ही हिमसेल्फ बिकम एनलाइटेंड, एक तो ये था। दूसरी ऑप्शन ये थी कि वो एनलाइटनमेंट को पोस्टपोन करें और इन टीचिंग्स को पहले लोगों को दें, इसको कंपाइल करें एंड देन ही बिकम्स एनलाइटेंड। तो ये जो स्टेज होती है जहां पर व्यक्ति अपनी एनलाइटनमेंट को पोस्टपोन करता है औरों के भले के लिए, उसको बोलते हैं बोधिसत्व। हम सुना है टर्म ये बोधिसत्व। बोधिसत्व इज बेसिकली वन स्टेप बिफोर एनलाइटनमेंट, जो कि व्यक्ति खुद चूज करता है कि मैं एनलाइटनमेंट होने पे वो पोस्टपोन कर रहा हूं ताकि मैं औरों का भला कर सकूं। मोटा मोटा इज लाइक एन उत्तम वैष्णव, मतलब अगर कंपैरेटिवली देखा जाए इज लाइक एन उत्तम वैष्णव, क्योंकि जो प्रेम भक्त होता है वो तो प्रीचिंग करता नहीं, बिकॉज वो तो सब जगह कृष्ण को देखता है, तो वो भला प्रीचिंग ऐसे करेगा। सो ही हैज टू कम टू वन स्टेप बिलो, मध्यम वैष्णव में आना पड़ेगा उसको, लाइक दैट। उसी प्रकार से आनंद ने, मतलब प्राइमरी पर्सन जिसने कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स को कंपाइल करने में, अगर महात्मा बुद्ध के होते हुए किसी ने उनकी टीचिंग्स को कंपाइल नहीं किया था, सब सुनते थे सीखते थे, दैट्स इट। सो आनंद वाज द वन हु बिकेम द बोधिसत्व, जिन्होंने भी एनलाइटनमेंट को पोस्टपोन किया, किसके लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए। तो आज अगर आप बुद्धिज्म देखें ना, बुद्धिज्म जो है ये दो ब्रांचेस में विभाषित है, एक है महायान एक है हीनयान। तो यान का मतलब क्या होता है, विमान, मतलब वो व्हीकल। तो एक है महायान ग्रेट व्हीकल, हीनयान मतलब इंफीरियर व्हीकल। तो जो हीनयान है बेसिकली दे आर नोन एज थेरावाद बुद्धिस्ट। तो इन्होंने अपना नाम हीनयान कौन रखता है, भाई हम हीनयान तुम महायान हो, ये असल में महायान वालों ने ही नाम दिया है कि तुम हीनयान हम महायान, वी आर ग्रेट व्हीकल यू आर इंफीरियर व्हीकल। ऐसा क्यों, क्योंकि जो महायान के जो फॉलोअर्स हैं वो ये मानते हैं कि वी शुड बिकम बोधिसत्व, और हमको समाज का भला करने के लिए, महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स को लोगों को बताने के लिए हमें अपने जीवन को सेक्रीफाइस करना चाहिए, इस प्रकार से अपना जीवन देते हुए देन एट द एंड वी शुड गो फॉर एनलाइटनमेंट। लेकिन जो थेरावाद, जिनको कि महायान वाले बुलाते हैं, तुम हीनयान हो कि तुमको सिर्फ अपनी पढ़ी है, अपना ध्यान लगा लो, अपनी मेडिटेशन कर लो, अपना अपना, मैं हीनयान हम महायान। तो इस प्रकार से ये दो डिविजन में डिवाइड हुए। सो दिस वाज एक्चुअली 1 AD वेयर द फॉर्मेशन ऑफ हीनयान एंड महायान हैपेंड। सो एक का फोकस था प्रीचिंग एंड एनलाइटनमेंट, एक का फोकस था, यानी हीनयान का फोकस था सिर्फ एनलाइटनमेंट, भाई हम अपना अपने पे फोकस करें, दैट्स इट। इससे ज्यादा प्रीचिंग भी नहीं करते, ये बहुत सीक्लूजन में रहते हैं ऐसे बुद्ध जो हीनयान होते हैं, लेकिन ये जो महायान वाले हैं दे आर प्रीचिंग, ये लोग प्रचार भी करते हैं। और जो महायान के फॉलोअर्स हैं वो ये मानते हैं कि हमारी चार काया होती है, एक होती है धर्म काया, एक होती है निर्माण काया, धर्म काया एंड आनंद काया। एक तो निर्माण काया जो कि सबको मिलती है, विच इज संभोग काया, यानी भोग के लिए मिली है और आप इसका इस्तेमाल करते हैं भोग के लिए। बट वंस यू बिकम एनलाइटेंड, लेकिन अभी आप निर्वाण में प्रवेश नहीं किए, लेकिन यू आर एनलाइटेंड, यू हैव बिकम लाइक अ बोधिसत्व, सो उसको बोलते हैं धर्म काया। तो यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे ही वाज देयर एज इन धर्म काया, वो प्रचार कर रहे हैं, बोधिसत्व इज देयर एज धर्म काया एंड देन दे प्रीचिंग। फिर देन उसके बाद फिर होती है आनंद काया, वेयर यू डू नॉट हैव एनी काया, बट दैट इज लाइक नाउ नाउ यू आर इन निर्वाण। अब इसमें हम चर्चा करेंगे कि क्या इफ यू बिकम शून्य देन हु एक्सपीरियंस आनंद, क्योंकि आनंद काया की बात करें यानी कोई ना कोई तो काया तो है वो, राइट। सो इसमें जो निर्माण काया है और रूप काया दैट इज ग्रॉस, बाकी धर्म काया और आनंद काया इज सटल, लाइक दैट। साथ ही जो महायान के फॉलोअर्स हैं दे डू डीटी वर्शिप ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ये भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करते हैं। इनमें भी आप देखेंगे जो महायान के फॉलोअर्स हैं इनमें भगवान बुद्ध की टीचिंग्स ज्यादा फ्लो कर रही हैं एक्चुअली। और ये जो हीनयान यानी थेरावाद के जो फॉलोअर्स हैं उनके अंदर महात्मा बुद्ध
की टीचिंग्स हैं, इनमें महात्मा बुद्ध की भी हैं और साथ साथ में भगवान बुद्ध की भी हैं इन सटल वे। क्योंकि कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध ने कृपा तो लिए किन से, भगवान विष्णु अवतार बुद्ध से, बोधगया में जाकर के रिसीविंग एनलाइटनमेंट। तो इस प्रकार से देरू डीटी वर्शिप एज वेल, महायान के जो फॉलोअर्स हैं देरू डीटी वर्शिप लॉर्ड बुद्ध। इस तरह देखिए सम ऑफ द टॉलेस्ट एंड बिगेस्ट स्टैचूज या डीटीज अगर बने हुए महात्मा बुद्ध के, ये महायान के फॉलोअर्स ने एस्टेब्लिश किए। इवन दलाई लामा जी इसमें महायान सेक्ट उस ग्रुप से है। जो थेरावाद वाले कहते हैं नहीं नहीं वी फॉलो ओनली टीचिंग्स, हम सिर्फ टीचिंग से फोकस करेंगे जो उनकी शिक्षाएं, दैट्स इट। तो ये भी हमने फर्क है। साथ ही जो महायान के फॉलोअर्स हैं इनके जो बुक्स हैं दे आर रिटन इन संस्कृत। इनहर ओरिजिनली महात्मा बुद्धि बोला करते थे संस्कृत। जो थेरावाद या जो हीनयान है इनकी जो बुक्स कंपाइल हुई है वो है पाली में। आप ये देखते हैं ना कहीं जो वीडियोस बनते हैं यूट्यूब में, पाली इज द ओरिजिनल लैंग्वेज, संस्कृत बाद में आई, ये सब थेरावाद वाले क्योंकि ये पाली लेके चलते हैं पाली। लेकिन एक्चुअली उस वक्त जो प्रीस्टली क्लास थी, जो एजुकेशन थी, इट वॉज ऑल इन संस्कृत लैंग्वेज। तो इसलिए ओरिजिनल जो टीचिंग्स है देवर गिवन इन संस्कृत। इसको समझाने के लिए जो टीचिंग्स दी गई वो थी पाली भाषा में, क्योंकि पाली जो थी काफी विख्यात थी उस वक्त, काफी लोग जानते थे इसके बारे में। तो इस प्रकार से ये संस्कृत में है इनका। और लेकिन हाँ, ये जो महायान के फॉलोअर्स हैं दे हैव व्हाट रिचुअल्स, बिकॉज दे हैव डीटीज आल्सो ना, सो डीटीज हैं तो वहां रिचुअल्स भी आएंगे कि ऐसी सेवा करनी है, वैसी सेवा करनी है, ऐसे पूजा करनी है, रिचुअल्स भी हैं। लेकिन जो हीनयान के फॉलोअर्स हैं दे आर मोर इनटू एस्थेटिसिज्म, क्योंकि बिकॉज दे फॉलो निर्वाण, निर्वाण पे इनका फोकस रहता है। इसलिए जो हीनयान के फॉलोअर्स हैं दे वियर येलो क्लॉथ। येलो रिप्रेजेंट्स नॉलेज ऑल्सो, नॉलेज रिप्रेजेंट्स, सॉरी येलो कलर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स स्टूल, क्योंकि संसार दुख से भरा हुआ है, सो एक स्टूल से ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए वो येलो कलर पहनते हैं। और साथ ही जो लेकिन जो महायान के फॉलोअर्स हैं ये क्रिम्सन रेड कलर के कपड़े पहनते हैं। तो इस प्रकार से कलर देखिए को पहचान सकता है, ओके ये महायान फॉलोअर्स हैं और ये हीनयान के फॉलोअर्स हैं। और जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं महात्मा बुद्ध की उनको लेकर के टीचिंग्स कंपाइल की गई, साथ ही जातक कथाएं भी आई जहां पर किस प्रकार से महात्मा बुद्ध किससे कैसे मिले, उसको कैसे डिलीवर किया, क्या कॉन्वर्सेशन हुई फायदा। तो जातक कथाएं भी आती हैं महात्मा बुद्ध को लेकर के। और इस प्रकार से बुद्धिज्म देन इट स्प्रेड ऑल अक्रॉस इंडिया, स्पेशली अशोक के आने के बाद इट स्प्रेड वेरी वाइडली, राजा अशोक। और क्योंकि किंग अशोक जब जीते थे कलिंगा की वॉर, एंड ही वाज सो गिल्टी, अरे कितने लोग मारे गए हमारे साम्राज्य की भूख के चक्कर में, कितने लोग मारे गए। देन व्हेन ही टुक टू बुद्धिज्म तो कई लोगों ने फिर बुद्धिज्म को स्वीकार किया। और साथ ही फिर बुद्धिस्ट जो थे दोस्त वो प्रीचिंग, ये धीरे धीरे करके फिर इसमें भी आया कि देखो ये ऊंची जाति नीची जाति हिंदुइज्म में सनातन धर्म में आओ हमारे पास आ जाओ। इस प्रकार से धीरे धीरे करके फिर कई लोग बुद्धिज्म की ओर बढ़ना शुरू किया और पूरे भारतवर्ष में फैल गया था बुद्धिज्म। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अब शास्त्रों को तो किनारे कर दिया है, लेकिन शास्त्रों को वापस लेके आना है, शास्त्रों को मिसयूज रोकना था, उस मिसयूज को के रोकने के चक्कर में शास्त्रों को किनारे करना पड़ा, लेकिन शास्त्रों को वापस भी तो लेकर के आना है। एंड देन केम अ वेरी माइटी वेरी पावरफुल प्रीचर आदि शंकराचार्य, ही प्रैक्टिकली ड्रैग्ड बुद्धिज्म आउटसाइड इंडियन बाउंड्री, इंडिया की बाउंड्री के साथ। देखो बाहर बार मिलता है नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मतलब फिजिकली यू कैन सी कि बुद्धिज्म खदेड़ के रख दिया सिर्फ 32 साल। अब शिवजी अगर आएंगे उनकी प्रीचिंग होगी तो धुआंधार, लेकिन उनकी जो टीचिंग्स हैं वो प्रचंड बौद्धिज्म यानी कि हिडन बुद्धिज्म ही है। क्योंकि बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी है वो निहिलिस्टिक है, यानी कि खुद को पूरी तरह से नष्ट कर देने की जो फिलॉसफी है, आप हो तो कष्ट है दुख है इसको खत्म कर देंगे एंड देन यू आर एनलाइटेंड। तो इसे जो महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी के अनुसार सारे दुख का कारण है अज्ञानता, और क्योंकि अज्ञानता है तो अज्ञानता से आती है कार्मिक चेतना। कार्मिक चेतना है इसके संसार के रूप रंग इत्यादि हैं, क्योंकि संसार के रूप रंग इत्यादि हैं तो इसीलिए फिर इनका समावेश करने के लिए मन है, इंद्रियां हैं। क्योंकि मन है इंद्रियां हैं इसलिए सेंसेशंस हैं, और क्योंकि सेंसेशंस हैं इसलिए डिजायर्स हैं, काश मैं और भोगूं, डिजायर्स हैं, डिजायर्स हैं इसलिए अटैचमेंट्स हैं, और क्योंकि अटैचमेंट्स हैं इसलिए एग्जिस्टेंस है। तो क्योंकि एग्जिस्टेंस है इसलिए जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी है, और क्योंकि जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी है इसलिए कष्ट है। तो इसकी शुरुआत यानी किससे होती है, अज्ञानता से, अविद्या से। अच्छा तो अविद्या भला कैसे दूर हो गई जी,
अविद्या दूर होगी ज्ञान को प्राप्त करके। तो ज्ञान को प्राप्त करेंगे एंड देन वन कैन एंटर निर्वाणा। अच्छा निर्वाण क्या है? निर्वाण इज द स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। ये क्या हुआ भाई? एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। यस, जब तक ये अस्तित्व है दुख है, जब अस्तित्व नहीं रहेगा तो सुख है। तो सर जब अस्तित्व रहा नहीं तो सुख मिलेगा किसको? क्योंकि एज अ बुद्धिस्ट फिलोसफी इवन आत्मा इज टेम्परेरी। आत्मा बेसिकली और कुछ नहीं है, ये स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। ये स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है विच हैपन्स टू बी कि ये नेचर जब आपस में कंबाइन करता है तो कॉन्शियसनेस के सिम्टम्स एग्जिबिट करता है। पर ये तब तक रहता है जब तक इच्छाएं रहती हैं। जैसे इच्छाएं खत्म, फिनिश्ड। अब बुद्धिज्म ये चर्चा नहीं करता देयर आर स्पिरिचुअल डिजायर्स एंड मटेरियल डिजायर्स। इट टॉक्स ओनली अबाउट डिजायर्स। इच्छाएं हैं तो कष्ट है, लेकिन अबाउट स्पिरिचुअल डिजायर्स मटेरियल डिजायर्स इस बारे में बुद्धिज्म चर्चा नहीं करता। देयर कैन बी स्पिरिचुअल डिजायर्स एज वेल पोस्ट लिबरेशन। निर्वाण के बाद आध्यात्मिक इच्छाएं भी हो सकती हैं। इस बारे में बुद्धिज्म फिलोसफी चर्चा नहीं करता। नथिंग। इवन सोल के बारे में भी बुद्धिज्म चर्चा नहीं करता। मैं समबडी आस्क्ड लॉर्ड बुद्धा, हु आर वी, व्हाट इज आवर आइडेंटिटी, आर वी द बॉडी? हां, तो बुद्ध बैठे हुए थे। तो हम कौन है फिर? क्या हम मन है? तो क्या हम ये अहंकार है? तो क्या हम ये बुद्धि है? तो क्या हम आत्मा है? ना ऐसे ना ऐसे, न्यूट्रल। महात्मा बुद्ध, आई एम आस्किंग यू, हम लोग कौन है? और फिर महात्मा बुद्ध ने बोला, वी आर अवेक, वी आर कॉन्शियसनेस। और वो चुप हो गए। कॉन्शियसनेस का मतलब एक्चुअली आत्मा ही होता है। पर्यायवाची दिया उन्होंने, लेकिन आत्मा शब्द नहीं लगाया, क्योंकि अगर आत्मा बोल देंगे तो फिर वैदिक शास्त्र आत्मा ये फिर वही निकल लेंगे। वैदिक शास्त्र तो कभी किनारे करने है, उसका मिसयूज रोकना है। सो आई एम अवेक, आई एम कॉन्शियस, बस। तो कई चीजों को लेकर के बुद्धिज्म चुप है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान, भगवान को लेकर के बुद्धिज्म चुप है। हालांकि लोग बोलते हैं, हालांकि माने जाते हैं दैट इज एथियस्टिक फिलोसफी, रीजन बीइंग भगवान के बारे में चर्चा नहीं है। बट एक्चुअली इट इज नॉट कि इट इज अगेंस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि भगवान नहीं है। अगर कोई ओरिजिनल टीचिंग्स में जाएगा ना महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध के अनुसार एक्चुअली भगवान के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है। देयर इज नो डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान है ही नहीं, तो इसलिए क्योंकि चर्चा ही नहीं है भगवान को लेकर के। सेकेंड, वैदिक शास्त्रों को किनारे किया है बुद्धिज्म ने, इसीलिए बोला जाता है दैट बुद्धिज्म इज एक्चुअली एन एथिस्टिक फिलोसफी। लेकिन इसका सूक्ष्म पार्ट यह है कि ऐसे लोग जो कि हालांकि भगवान को तो नहीं मानते, लेकिन एटलीस्ट महायान जो फॉलोअर्स हैं वो महात्मा बुद्ध की पूजा अर्चना करते हैं, इस प्रकार से इनको स्वीकृति प्राप्त होती है। दे गेट पायस मेरिट्स। तो सटल है, लेकिन हाँ एंटायर क्रिएशन भला कहां से आई, इसके बारे में बुद्धिज्म एक्सप्लेन नहीं करता। क्योंकि इस जगत के अंदर सिर्फ ग्रॉस चीजें नहीं है, सूक्ष्म चीजें भी हैं। लेकिन सूक्ष्म चीजें भला आई कैसे? जैसा मन बुद्धि अहंकार कैसे आया? अगर वो बोले एलिमेंट्स के कंबाइन होने से संसार बना, मन कौन से एलिमेंट्स के कंबाइन होकर बनता है? बुद्धि कौन सा एलिमेंट है? ये है कैल्शियम कार्बोनेट नाइट्रेट। ईगो कौन से उससे बनी है? कोई गैसीय सब्सटेंस से आपस में मिले ईगो बन गई। टाइम, टाइम कैसे आया? ये कोई केमिकल कॉम्बिनेशन है उसके अंदर? कैल्शियम नाइट्रेट से टाइम बना? टाइम। तो कई चीजें हैं जो कि बुद्धिज्म ये नहीं एक्सप्लेन कर पाता कि ना सृष्टि आई तो भला आई कैसे। अगर ये सिर्फ भौतिक पदार्थों के कॉम्बिनेशन से है तो चेतना भला कैसे आई? कॉन्शियसनेस, फीलिंग्स, इमोशंस, ये तो किसी केमिकल कॉम्बिनेशन से नहीं आते। ऐसे बोलते हैं गलत जवाब, बैड जवाब। अन्न दोष जो है इट्स अ डिफरेंट थिंग। मन किसी अन्न दोष से नहीं बना। मन बुद्धि अहंकार चेतना ये अन्न दोष से दूषित हो सकती है। वांग्मय कोश, लेकिन आता कहां से है? कहां से आता है ये आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, ज्ञानमय कोश? लेकिन ये लेयर किसने बनाई? आपके पिताजी ने? नहीं। ये किसने बनाई इस बारे में बुद्धिज्म कोई जवाब नहीं देता। ये सारे हैं, नो डाउट देयर इज, ज्ञानमय कोश, अन्नमय कोश, ये हैं। दे आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस आई कैसे? ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस बनाई किसने?
ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस में हम ऊपर कैसे जाते हैं, ये किसने बनाया है? हमें पता है कहां से आता है, सनातन धर्म को पता है कहां से आता है, यही हम बता रहे हैं। हाँ, तो भगवान को लेकर के, परमात्मा को लेकर के, द इमानेंट ऑल परवेडिंग सुप्रीम ट्रूथ जिसपे सब कुछ रेस्ट करता है, ये कहां से आया? इस बारे बुद्धिज्म क्वाइट चुप। आत्मा को लेकर के भी थोड़ी चर्चा करता है, लेकिन इटरनैलिटी ऑफ सोल इसकी बात नहीं करता बुद्धिज्म, कि किस तरह से आत्मा नित्य है, क्योंकि निर्वाण के बाद तो आत्मा भी गई, शरीर तो गया, सूक्ष्म शरीर गया, सूक्ष्म शरीर गया, इवन आत्मा भी गई, एंड देन वन एंटर्स निर्वाण। ओके सर, तो निर्वाण क्या है? ये आनंद की स्थिति है। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन आनंद की स्थिति अनुभव कौन करेगा जब अब हम रहे ही नहीं, हम तो हो गए शून्य। तो इसलिए आप देखें, जो आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी है और बुद्धिज्म की फिलॉसफी है, ये सेम है। बेसिकली निर्वाण को ही एक वैदिक कोनोटेशन दी, डिस्क्रिप्शन दिया आदि शंकराचार्य ने, कि ब्रह्म है, उसे विलीन होना है। दोनों ही आत्महत्या करना चाहते हैं, दोनों फिलॉसफी के अंदर इट्स स्पिरिचुअल सुसाइड। बुद्धिज्म में भी है, निर्वाण मींस सोल एंटरिंग द स्टेट ऑफ निर्वाण, बिकमिंग नॉन एग्जिस्टेंट। और आदि शंकराचार्य की जो अद्वैत सिद्धांत है, उसके अंदर भी क्या है, आत्मा मर्जिंग इनटू ऑल परवेडिंग रियलिटी। पर एक्चुअली वो ऑल परवेडिंग रियलिटी इज नथिंग बट वो शून्य की ही स्थिति है। ये दोनों सेम ही है, इट इज जस्ट इन्होंने बोला ब्रह्म, इन्होंने बोला शून्य, नाम अलग अलग है बस, ये एक ही है एक्चुअली। ये बोल रहे हैं आनंद की स्थिति है शून्य, ये बोल रहे हैं ये ब्रह्मानंद की स्थिति है, पर एक्चुअली दिस इज ऑल्सो शून्य, एक भी यहां पर ही है, वो एक ब्रह्म वन। लेकिन अच्छी चीज ये हुई, ये शून्य से वन पे तो आ गए, जीरो से वन, सो एक डिजिट का फर्क पड़ा है, लेकिन नो डाउट एवरीथिंग इज वन। बुद्धिज्म में एवरीथिंग इज शून्य, सो जीरो से वन का जो सफर है वो तय कराया आदि शंकराचार्य ने। लेकिन अगर फिलोसफी वाइज देखा जाए ना, इट इज ऑल सेम सेम सिद्धांत है, संसार में है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, डन 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 डन, निर्वाण मोक्ष, दैट्स इट। शब्द अलग है पर लक्ष्य एक ही है। सो बोथ ऑफ देम आर निहिलिस्टिक फिलोसफीज। इसे आज भी कहें, ऐसे गुरुजी हैं जो कि 112 तरीके बताते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के, लेकिन वो सारे 112 तरीके आत्महत्या की ओर ही जा रहे हैं। वो 112 तरीके ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एनहाइलेशन, तो 112 सब जानते ही हैं, राइट? सो इसीलिए जितने भी फिलोसफर्स आए, बेसिकली देवर देयर टू मेक पीपल मॉरल। स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस को लेकर के इन्होंने कुछ नहीं बताया, बिकॉज इन लोगों की अभी औकात ही नहीं है। अभी जब लोगों की मेंटेलिटी बहुत थर्ड क्लास होती है, तो ऐसे लोगों को फिर ऐसी फिलोसफी बहुत कनेक्ट करती है, हाँ भगवान नहीं है इसके अंदर, हमारे सुख की बात हो रही है, वेरी गुड, यहाँ थर्ड क्लास सुख, फिर निर्वाण में मोक्ष में फर्स्ट क्लास सुख, दस सर सेवा भगवान की है, सेवा वगैरह कुछ नहीं। सो ऐसे द्वेषी लोगों का कल्याण करने के लिए फिर ये बुद्धिस्ट फिलोसफी आई। तो इसलिए आत्मा को लेकर के भी बुद्धिज्म जो है, उसकी इटर्नैलिटी में, उसके नित्य स्वभाव में बुद्धिज्म नहीं जाता। भगवान के बारे में तो खैर वो चुप ही है, एब्सोल्युटली क्वाइट, बुद्धिज्म इज एब्सोल्युटली क्वाइट। और स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस को लेकर, यानी भगवान के धाम को लेकर के, उनके ऐश्वर्य को लेकर के, पोस्ट लिबरेशन क्या होता है इसको लेकर ही के भी बुद्धिज्म चुप है, कि मोक्ष बात क्या होता है, व्हाट हैपेंस, कोई जवाब नहीं है इसका। ठीक है जी। अच्छा, साथ ही हमारा कोई डिवाइन कनेक्शन है या नहीं है इसके बारे में भी बुद्धिज्म चुप है। ऐसा बल्कि एक बार किसी ने पूछा महात्मा बुद्ध से, महात्मा बुद्ध के हाथ में से पूछा, क्या आपकी टीचिंग्स ही ऑल कंक्लूसिव है? तो महात्मा बुद्ध ने पास में पेड़ का पत्ता से गिरा पत्ता था वो उठाया, कहते मेरे हाथ में क्या है? बोला आपके हाथ में इस पेड़ का पत्ता है। तो महात्मा बुद्ध ने बोला, इस पेड़ पे ज्यादा पत्ते हैं या मेरे हाथ में ज्यादा पत्ते हैं? उन्होंने बोला, महात्मा बुद्ध, पेड़ पे ज्यादा पत्ते हैं। तब खुद समझ जाओ, जो मैं दे रहा हूं वो सिर्फ पेड़ का एक पत्ता है, ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो भी बाकी हैं। बेसिकली ही इज हाईलाइटिंग सटली अबाउट भक्ति, कि अभी तुम्हारी अभी बिसात नहीं है, वो भक्ति वाला, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौम वहां पर है। अभी तुम ये लो बुद्ध शास्त्री, बुद्ध वैभव, फिलहाल तुम ये मोक्ष, मोक्ष शास्त्री, मुक्ति वैभव, तुम अभी इतना ही लो बस, तो अभी ये एक पत्ता तुम्हारे लिए बस, दैट्स इट। तो इसलिए बुद्धिज्म जो है, ऑफ कोर्स हिंदुइज्म में और बुद्धिज्म में कई सारी चीज कॉमन में, जैसे रीबर्थ,
बार बार रीबर्थ होना ये कॉमन है हमारे बीच में। अगर डीटी वर्शिप लेके चलें तो महायान और हिंदुइज्म में दैट इज ऑल्सो कॉमन। साथ ही संसार जो है दुखालयम है, दैट्स ऑल्सो कॉमन बिटवीन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। लेकिन अल्टीमेट जो लक्ष्य है उसके वहां पर आकर के हम वी बिकम सेपरेट ऐसा। लेकिन आज हम देखते हैं बुद्धिज्म में नाउ देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस आल्सो हैपनिंग। आज हम देखते हैं आज का जो बुद्धिज्म है वो ओरिजिनल बुद्धिज्म से काफी अलग हो चुका है एक्चुअली। जैसे कि आप कहीं कई जगह पर बुद्धिस्ट बनना बेसिकली इट्स अ रिचुअल दैट यू रिमेन एज अ मंक इन द मोनेस्ट्री फॉर सम टाइम एंड देन यू गेट मैरिड ऐसा। एक समय बल्कि इसी से महात्मा से पूछा कि हमने देखा कि आप मोनेस्ट्री में सिर्फ पुरुषों को रखते हैं, स्त्रियों को आप जगह नहीं देते, ऐसा क्यों? क्योंकि आप ऐसा नहीं कर रहे तो इससे दुनिया की 50% पॉपुलेशन जो है ना वो आपकी कृपा से दूर है। सो ओनली 50% आर गेटिंग मर्सी। तो इससे आपको चाहिए कि इनको भी मोनेस्ट्री में रहने आप अलाउ करें। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि अगर मैंने माताओं को भी मोनेस्ट्री में ले आया तो मेरे जो अंदर ऑलरेडी रह रहे हैं इनमें से आधे ज्यादा निकल भी जाएंगे। तो इसे जो जहां पर है उनको वहीं रहने दो, जो वहां है उनको वहां रहने दो। जैसे मीट ईटिंग है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म इज द अल्टीमेट स्लोगन ऑफ बुद्धिज्म। लेकिन सारे बुद्धिस्ट तो नहीं, लेकिन कई ऐसे बुद्धिस्ट हैं जो कि आज मीट खाते हैं, मतलब हैवी ड्यूटी, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 100% दे टेक इट। इवन विद ड्यू रिस्पेक्ट दलाई लामा जी भी मीट खा लेते हैं। तो इसलिए जितना इम्पर्सनलिस्टिक फिलोसफीज है ना कहीं थोड़ा बहुत ज्यादा आता है, जैसे मुर्गी मिशन जैसे कई सोसाइटीज जैसे मीट चल जाता है एक्चुअली। हालांकि समय था कि अगर उनके फाउंडर ने बोला ओके अभी फेमाइन हो रखा है, सूखा बड़ा हुआ है और अंग्रेज आकर के हमारे यहाँ स्त्रियों का हनन करते हैं, अभी हमें अपनी स्त्रियों की रक्षा करनी है, मुर्गियों की रक्षा हम बाद में कर लेंगे, तो अभी भले टंगड़ी तोड़नी पड़े टंगड़ी तोड़ो लेकिन स्त्रियों की इज्जत की रक्षा करो, विच इज नाइस गुड आइडिया, ओके समझ में आ गया हमको जी। लेकिन फेमाइन तो खत्म हो गया सर, आज भी चल रहा है, लेकिन ये क्या मामला है जी। तो इसीलिए बुद्धिज्म में देखते हैं हम जो एकदम कोर फिलोसफर्स है, प्रैक्टिशनर्स हैं, दे फॉलो नॉन वायलेंस, वो सिर्फ वेजिटेरियन ही खाते, इवन अनियन गार्लिक तक नहीं खाते, ऐसे बुद्धिस्ट है नो डाउट। पर अगर अगर आप मेजोरिटी में अगर आप देखेंगे ना जो बुद्धिज्म में मीट ईटिंग हैज बिकम क्वाइट रैम्पेंट। और अगर उनसे पूछें कि आप ही ऐसे मीट क्यों खाते हैं, अहिंसा परमो धर्म है, नॉन वायलेंस इज टॉप मोस्ट रिलीजन, तो बोलते हैं हमें ना ये समझना चाहिए व्हाट गोज इनसाइड इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, व्हाट कम्स आउटसाइड दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप जो बाहर निकाले तो अच्छी अच्छी बातें बोले, व्हाट कम्स आउटसाइड दैट्स इंपॉर्टेंट, व्हाट गोज इनसाइड दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट अ लॉजिक, क्या बात है सर, व्हाट गोज इनसाइड इज व्हाट कम्स आउटसाइड, गार्बेज इन गार्बेज आउट, नेक्टर इन नेक्टर आउट, जो अंदर जाता है ना वही भी बाहर आता है। तो इसलिए वो जस्टिफाई कर लेते हैं मीट ईटिंग को, वेल अंदर क्या जा रहा जरूरी नहीं है, बाहर अच्छे से रहेंगे। बुद्धम शरणम गच्छामि, तो सर जाइए ना आप, जाइए बुद्धम शरणम गच्छामि करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन फिर टांगड़ी मत तोड़िए। हे शट अप। सो बोलने में ऐसे देखा जाए स्लोगन इज एक्चुअली बुद्धम शरणम गच्छामि, बट एक्चुअली इट इज टांगड़ी शरणम गच्छामि, दिस इज नॉट गुड। तो ये और किसी भी स्पिरिचुअलिस्ट के लिए, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, वैष्णव हो, शाइवाइट हो, शाक्त हो, एनी वन, अगर कोई भी आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है ही हैज टू बी नॉन वायलेंट इन ईटिंग। अगर खाने पीने में ही टंगड़ी दे दना दन दे दना दन, कभी कीमा तो कभी क्या तो कभी क्या, वो भी रुमाली रोटी के साथ, फिर तो सर गड़बड़ मामला है सर। साथ ही मैं दिखता हूं कि ना आज एटलीस्ट अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इज मोर हिंदू हेटिंग। जैसे कि 10,000 लोगों को रिसेंटली भी प्रतिज्ञा दिलाई गई थी, दीक्षा हुई उनकी, ओ भाई सब दीक्षा, अच्छा दीक्षा मतलब दिव्य ज्ञान, और तो ये दिव्य ज्ञान कैसा है, हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम राम और कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे। वाह भाई ये आपकी प्रतिज्ञा का हिस्सा है, माई गॉड। और वो हाईलाइट भी करते हैं कि हिंदुइज्म है कि ऊंची जाति नीची जाति, ब्राह्मणवाद शूद्रवाद, ये तो है और है नहीं, तो आओ बुद्धिमान बनो, बुद्ध की शरण में आओ। पर महात्मा बुद्ध ने कभी भी किसी को इस तरह से कन्वर्ट नहीं किया। और टू मेक समबडी अ बुद्धिस्ट बाय सेइंग कि हम कसम खाओ कि हम राम और कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे, नॉट इवन अ सिंगल एग्जाम्पल।
लेकिन आज हम देखते हैं कई ऐसे बुद्धिस्ट हैं, सारे नहीं लेकिन ऐसे बहुत सारे बुद्धिस्ट हैं, दे बिकम हिंदू हेटर्स। मैं एक बार मैं कैब में था, आई वॉज मैं ओला कैब में था, तो ही वॉज एक्चुअली बुद्धिस्ट और मैं भी चैंटिंग कर रहा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मैंने कहा भैया कभी दर्शन भी कर लो, आ जाओ आ जाओ। कहते हैं हम नहीं जाते इन मंदिरों में। मैंने क्यों, बहुत अच्छा मंदिर है, ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल, 25 साल हो गए इसको। कहता 25 साल की ठग को 25 साल हो गए, 25 साल के कपट को 25 साल हो गए, इसलिए मैं ऐसी जगह नहीं हूं। मैंने क्यों, आपको कैसा क्या लगता है ये लोग कपटी हैं? कहता कुछ नहीं, पोंगा पंडित है अंदर, घंटी वंटी बजाते हैं, लूटते हैं लोगों को। मैंने कहा अच्छा आपको ऐसा लगता है? मैंने कहा लेकिन ये करीब 18 करोड़ लोगों को प्रसाद खिला चुके हैं पिछले 25 सालों में। कहते क्या बोल रहे हो आप? मैंने कहा हाँ। कहता ना तो हमारा कौन सा जाना अलाउड होगा, हम तो वैसे नीची जाति के हैं, मंदिर में जाना हमारा का अलाउड है। मैं कहा मैं भी नीची जाति से हूँ, मेरे को तो अलाउ किया है उन्होंने। अच्छा आप नीची जाति से? मैंने कहा और क्या, मैं नीची जाति है। मैंने कहा ऐसा थोड़ी जैसे गोरी चमड़ी होती है वो ऊंची जाति का होता है, नीची जाति का मतलब? कहता हमारा अलाउड है क्या? मैंने कहा और क्या, तो कहता क्या मेरे साथ बैठ के इसका ब्राह्मण खाएगा क्या हमारे साथ बैठ के? मैंने कहा यार सब खाएंगे, तू मेरे साथ बैठ जाओ तू। अच्छा सो इट वॉज शॉकिंग फॉर हिम एंड ही एक्चुअली केम टू द टेम्पल, हरे कृष्णा टेम्पल, उसको अच्छा लगा। मैंने कहा बताओ कैसा लगा आपको, आप आना नहीं चाह रहे थे? कहता सर मैं इस एरिया में 15 साल से रह रहा हूं, पर मुझे लगता था ये ठगों का मंदिर है ये। मैं तो आप कैसा लगा, आपको ठगी थी कहीं, ठोकर का प्रसाद खिलाया नहीं खिलाया मैंने आपको सर? तो कई चीजें क्या है ना, एज्यूम्ड है, एज्यूम्ड है। सनातन धर्म ऊंची जाति नीची जाति, ब्राह्मण शूद्र के साथ नहीं बैठेगा, ये भी वही मंदिर होगा, बड़े बड़े मंदिर में नाकर रखे इन लोगों ने। नफरतें अंधा कर देती है आज, हेट्रेड ब्लाइंड पीपल एक्चुअली। तो आज कम से कम एक अ सेट ऑफ बुद्धिस्ट आर देयर हु आर ब्लाइंडेड विद हेट्रेड फॉर हिंदुइज्म, नफरत है एक्चुअली उन लोगों को। अगर आप उनकी वाणी सुन लेना, अरे मेरे को एक बुद्धिस्ट मिला था, वो कहता आपका धर्म क्या है? मैंने कहा हमारा सनातन धर्म। क्या सनातन का मतलब क्या होता है? मैंने बोला इटर्नल, जिस जो बिगिनिंग लेस है एंडलेस है। कहता ये एडजेक्टिव है, इट्स एन एडजेक्टिव। नाम क्या आपके धर्म का? मैं कहा सनातन धर्म। कहे सनातन तो जी इसका एट्रीब्यूट है, ये बिगिनिंग लेस है एंडलेस है, जो आपके अनुसार, आपके अनुसार। नाम क्या है? मैंने कहा सनातन धर्म। कहता जी नाम बताइए, आप एडजेक्टिव बता रहे हैं। फिर मैंने उसको सिंपल एग्जाम्पल दिया स्वीट का। मैंने कहा अगर कोई मिठाई होती है हम उसको बोलते हैं दीज आर द स्वीट्स, ये क्या है? नाउन। और मैं बोलूं ओ यू आर सच अ स्वीट पर्सन, यहाँ स्वीट क्या है? एडजेक्टिव। यानी कि एक ही वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। सो सनातन जो है वो एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। हाँ ग्रामर अच्छी पढ़ी आपने। मैंने कहा हाँ हमने सनातन धर्म ही पढ़ा है बेटा, तुम ही पढ़ रहे हो, जो मन में नफरतें पाल के रखी है ना तुमने इतनी ज्यादा, हाँ सनातन धर्म को लेकर के। तो बेसिकली क्या है, नफरतें ब्लाइंड कर देती है इंसान को, नफरत नफरत। दूसरे इससे अहिंसा परमो धर्म का ये एब्सोल्यूट डिविएशन है। ये प्रतिज्ञा खिलाना ही कि हम राम और कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे, ये प्रतिज्ञा का पाठ है। ये नफरत जो है ये अहिंसा परमो धर्म के रेडिकली ऑपोजिट भाव है। तो इसीलिए ये जो प्रतिज्ञाएं हैं ये बुद्धिज्म में नहीं आते, इट इज बेसिकली हिंदू हेटिंग रिलीजन, इट इज नॉट रियली बुद्धिज्म। जो वाकई बुद्ध हुआ वो शांत होना चाहिए ना, शांत। और इतना एग्रेशन से भरा बुद्धिज्म, ये तो इस इज वेरी, इसे बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन, ही इज अ वेरी अग्रेसिव बुद्धिस्ट। ऐसा कैसे, बुद्धिस्ट लोग शांत होते हैं बहुत, यस। पर अगर को बोले ही इज एन एग्रेसिव बुद्धिस्ट, ये ऑक्सीमोरॉन मतलब कि सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट। यू नो ऑक्सीमोरॉन, इस बोलते हैं दिस गाय इज स्टिंकिंग रिच, इज एन ऑक्सीमोरॉन। जो स्टिंकिंग है वो रिच नहीं होता, जो रिच होता है वो स्टिंकिंग नहीं होता, भले ही नहाए धोए ना हो, परफ्यूम तो द एक्स इफेक्ट, तो स्टिंकिंग तो नहीं होता कम से कम, राइट? सो टू से दिस गाय इज स्टिंकिंग रिच, इट्स एन ऑक्सीमोरॉन, मतलब आपस में प्रतिरोधात्मक स्टेटमेंट। उस तरह से ये लेके चलना, दिस इज अ वेरी अग्रेसिव बुद्धिस्ट, इज एन ऑक्सीमोरॉन। क्योंकि तो बुद्धिस्ट होगा अग्रेसिव नहीं होगा, जो अग्रेसिव हो रखा बुद्धिस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए आज जो हम देख रहे हैं दे हैव अ लॉट ऑफ अग्रेशन। सेकेंडली नाउ बुद्धिज्म में ओवरऑल ज्यादातर जो पार्ट है ना देयर इज मोर शिफ्टिंग टुवर्ड्स कुंग फू,
एक्चुअली कुंफू वाज देयर अ पार्ट ऑफ बुद्धिज्म कि अगर किसी मंक को आत्मरक्षा करने के लिए थोड़ा कुंफू सीखना पड़े तो आत्मरक्षा करने के लिए कर ले, कुंफू भी कर ले। लेकिन अब धीरे धीरे करें ना शिफ्टिंग, अब कुंफू की और ज्यादा हो गई यार, मेडिटेशन कम होती जा रही है और रॉड लेकर के रॉड को मोड़ भाई, ये कौन सी बुद्धिस्ट टीचिंग में आता है यार भाई, रॉड को मोड़ना तोड़ना ये वो, और जो है मेटल प्लेट है उस पर घूंसे मार मार के मेटल प्लेट में भी डेंट मार देना, उसके अंदर डेंट मार देना उसके अंदर, बुद्धम शरणम गच्छामि। सो नाउ देयर इज मोर शिफ्ट टुवर्ड्स कुंफू। इससे कल्कि पुराण के अंदर आता है दैट भगवान कल्कि विल किल बुद्धिस्ट वॉरियर्स, क्योंकि धीरे धीरे करके बुद्धिज्म का जो ट्रेंड है इट विल गो मोर टुवर्ड्स कुंफू, कुंफू कराटे मार्शल आर्ट्स। और कुंफू अलग लिया भी कहां से, बौद्ध धर्म। ही वाज एक्चुअली इंडियन, इंडिया इज द फाउंडेशन ऑफ मार्शल आर्ट्स, लेकिन धीरे धीरे करके फिर चाइनीज आया यहां से लेकर गया उसका बना दिया कुंफू, कुंफू बन गया, कुंफू कराटे वगैरह हो गया। लेकिन धीरे धीरे करके बुद्धिस्ट आर नाउ मोर इन टू कुंफू, मोर इन टू दिस बॉडी को टॉर्मेंट करते हुए, बॉडी को बहुत हार्ड बनाना, जैसे मुट्ठी है हाथ को मजबूत करने के लिए गरम गरम जो रेत होती है उसमें उंगली दैट दैट दैट, अगर ये शेर टूट गया बुद्धम शरणम गच्छामि, अच्छा क्या बात है भाई, तूने बुद्ध की शरण प्राप्त कर ली, देख शेर को उड़ा दे, वेरी गुड बब्बर शेर है तू, नाइस। तो इस तरह से नाउ जो ओरिजिनल बुद्धिज्म जैसा महात्मा बुद्ध ने दिया था उससे अब डिविएट होते होते नाउ वी कैन एक्चुअली सी डिविएशंस, मीट ईटिंग, हिंदू हेटिंग कल्चर, थर्डली मोर टेंडिंग टुवर्ड्स कुंफू। सो इसलिए एक्चुअली और इंटरनली और क्या क्या हो रहा है, तो खैर हम प्रार्थना करते हैं भगवान कृपा करें उन पे, बट यस दैट, बट दैट्स द नेचर ऑफ कलयुगा, एज अ टाइम पासिस ओरिजिनल टीचिंग से डिविएशन आने के चांसेस रहते ही रहते हैं ऐसा। सो इसलिए जो बुद्धिस्ट है ऑफकोर्स, बट देयर वॉज अ पर्पज वाई लॉर्ड बुद्धा केम, सो दैट पीपल कैन बिकम मोर मॉरल। लेकिन मैं बहुत अच्छे बुद्ध से मिला हुआ, मस आई वाज फ्लाइंग और मेरे साथ एक बुद्धिस्ट बैठे थे एंड वी हैड वेरी गुड डिस्कशन, और एंड ही वाज वेरी एक्चुअली ही वाज अ रियली बुद्धिस्ट, वेरी काम कंपोज्ड वेरी रिस्पेक्टफुल। इनफैक्ट वंस आई वाज इन एयरपोर्ट, वन बुद्धिस्ट केम एंड एज यू आर पासिंग बाय ही सेड हरे कृष्णा, मैंने बोला नमो बुद्धाय। सो वी हैड गुड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, और कुछ होते हैं हाँ दोस हरे कृष्णा रिचुअलिस्टिक, ये वही ब्राह्मण लोग हैं जिन्होंने हमें, इन्होंने हमें इनके मंदिरों में घुसने नहीं दिया, सो व्हाट, हमारे बुद्धिस्ट टेम्पल बने बड़े 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 हैं, जाए यहां से। तो कुछ ऐसे वाले भी हैं नो डाउट, बट यस महात्मा बुद्ध ही वॉज रियली अ ग्रेट सोल। तो एक हुए विष्णु अवतार बुद्ध जो कि करीब आए 3800 साल पहले, 3800 ईयर्स अगो, और महात्मा बुद्ध भी आए गौतम बुद्ध। तो वो उनकी फिलोसफी में वी कॉल इट एथिस्टिक बट एक्चुअली देयर इज नो डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉड, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं वो नलायक हैं। तो इसीलिए इवन श्रीमद् भागवतम के अंदर भी आता है दैट नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिने, सो नमो बुद्धाय शुद्धाय, सबको शुद्ध करने वाले ऐसे लोग, किनको शुद्ध करने वाले कैसे लोग, दैत्य दानव जो कि इस भाव वाले थे मोहिने, इनको बिबिल्डर करने के लिए महात्मा बुद्ध आते हैं। और साथ ही तथा कालो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सर दुषाम बुद्धो नामा अंजन सुता कीट कीकटेशु भविष्यति। तो वो कलयुग में आते हैं किस लिए आते हैं, वो सम्मोहाय, किनको संबोधित करने के लिए आते हैं, सर दुषाम यानी कि ऐसे लोग जो कि द्वेषी हैं इनको बिल्डर करने के लिए आते हैं। तो उनका नाम होगा बुद्ध, नाम जिनका नाम क्या होगा, उनकी माताश्री का नाम होगा अंजना, और ये उनके सुत कहलाएंगे, नाम नाम अंजना सुता कीकटेश्वर यानी बिहार गया नाम के स्थान में आएंगे भविष्य फ्यूचर में, लाइक दैट। ऑफ कोर्स ऐसे बुद्ध के बारे में चर्चा आती है वेयर ही इज लाइक टेक्नोक्रेट बुद्ध, तो ऐसे लोग जो कि टेक्नोलॉजी में मोहित होकर के देन दे डू वायलेंस टू द पीपल, ऐसे लोगों को फिर बुद्धिज्म में लेकर के आएंगे। तो वहां प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये फिर किसी और कल्प के बुद्ध हैं, इन द सेंस जब भी वायलेंस बढ़ती है, बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, वायलेंस फिजिकल वायलेंस वर्बल वायलेंस 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 को सेटल करने के लिए आते हैं बुद्ध, ताकि तुम थोड़े शांत हो, ताकि कोई भक्त आए तुमको जो भक्ति की शिक्षा दे उसको स्वीकार करके एक्चुअली यू बिकम एनलाइटेंड। तो जो बुद्धिस्ट एनलाइटनमेंट है
इज नॉट रियली एनलाइटनमेंट, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो एंट्री हुई नहीं ना, ये तो निर्वाण हुआ. निर्वाण मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस विच इज सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी. सो दिस निर्वाण विच बुद्धिस्ट टॉक अबाउट इज जस्ट बिकमिंग नॉन वायलेंट, बिकमिंग टू द स्टेज ऑफ बिकम बोधि सत्व, बट एक्चुअली यू बिकम मोर सात्विक इन योर एग्जिस्टेंस सो दैट यू आर रेडी फॉर भक्ति. बिना प्रभु से प्रेम किए हुए निर्वाण या मुक्ति या मोक्ष होता नहीं है. तो इसीलिए ये जो निर्वाण है इट्स मोर ऑफ बिकमिंग सिनलेस, बिकमिंग कर्मा फ्री, दैट्स इट. ये बोला निर्वाण है, बट दिस नॉट रियली निर्वाण इन द सेंस एनलाइटनमेंट. एनलाइटनमेंट मीन्स हु इज गॉड, हु एम आई एंड व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद गॉड, दैट इज रियल निर्वाण. बट बुद्धिस्ट निर्वाण भी अच्छा है, ताकि कम से कम नाउ दे आर रेडी फॉर अल्टीमेट निर्वाण, द रियल निर्वाण. ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं अभी हम. बहुत बहुत धन्यवाद सही भक्तों का. हरे कृष्णा. ओके, 9:25 ऑलरेडी हो चुके हैं, हालांकि तो 5 मिनट ले लेते हैं कुछ अगर सवाल जवाब हो, या शचीपति प्रभु जी कुछ विशेष बताना चाहें. ये प्रभु जी तो इंसाइक्लोपीडिया है. मेरे मन की बात ये मैं सुनते रहा कि शायद प्रभु जी से पूछेगा भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए, लेकिन आज वो बहुत सेल में आपने तो हमने थोड़ी चर्चा कर ली आज. मैंने सुना है कि वो बुद्धि को आत्मा बुद्ध हुए उनके तो फॉलोअर्स हैं वो भी, और जो फॉलोअर्स वो मिली भी उनको अपनी क्यों. और हाँ बोलिए आशी ना, देखिए ना, ये जो बोध गया यहाँ जो महायान जो फॉलोअर्स हैं दे आर मोर काम. जो थेड़ा बात के ना उनमें अग्रेशन मिलता है, लेकिन दोनों जगह पर आपको काम वाले मिलेंगे, पीसफुल वाले मिलेंगे दोनों जगह पर. लाइक जैसे महात्मा बुद्ध, सॉरी ये दलाई लामा, दलाई लामा इज फ्रॉम महायान, लेकिन एक्चुअली बट ही डज मीट ईटिंग, वो तो साफ साफ मीट खाते हैं, तो हमने खुद ही देखा है मतलब खाते हुए उनको. और एक महात्मा बुद्ध के बारे में मुझे थोड़ा, उसमें ये कहा गया कि जो पिछला कलयुग है काफी जो कलयुग है जो पिछले उसमें भी महात्मा बुद्ध ने और उसमें बताया गया कि यहाँ के जो साइंटिस्ट लोग थे वो दूसरे ग्रह में चले गए. हाँ यस हाँ हाँ यस 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 बिल्कुल यस याद है, भागवतों में आते हैं तो यस प्रभुपाद जी हाईलाइट कर रहे हैं यस. सो ये जो बुद्धिस्ट हैं, जो खेड़ा जो महायान के बुद्धिस्ट हैं, दे आर इन प्लेसेस लाइक तिब्बत, चाइना, ताइवान, जापान, कोरिया एंड मंगोलिया, यहां मिलते हैं महायान के फॉलोअर्स. और थेड़ावाद जो फॉलोअर्स हैं वो मिलते हैं श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस एंड बर्मा. हाँ जी महावीर तो जैन जैन हो, तो जैन हो गए. जैनिज्म भी ऑलमोस्ट सेम ही है वैसे वो, या है वो सेम ही है वो. इसमें बस ये है दैट यू बिकम इंडिविजुअल गॉड, वहां पर है बिकमिंग शून्य, कुछ बस सेवा नहीं करनी, बस मोटा मोटा ये है. भगवान की सेवा के अलावा जो फिलोसफी दे दो स्वीकार कर लेंगे, या तो आपको भगवान बना देंगे या शून्य में घुसा देंगे, लेकिन प्रभु की सेवा वो नहीं करना बस. सो बेसिकली मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ ईश्वर द्वेषी लोग हैं ये लोग, तो इसलिए ऐसे लोगों को फिर बनाने के लिए ऐसे फिलोसफी आती है. हाँ जी यस राम जी. वाह हाँ, देखिए ऐसे हम होता क्या, देखो जब कोई व्यक्ति होता ना व्हेन दे आर एंटी हिंदू तो वो बोलते हैं इस राशि ना, ओरिजिनली जो है ये मंदिर पहले बुद्धिस्ट मंदिर ही थे. एक्चुअली पहले ये सनातन धर्म के मंदिर थे, क्योंकि वहां डिविएंट फिलोसफीज आई, मतलब इन द सेंस जो ब्राह्मणवाद शूद्रवाद इत्यादि हुआ, इसकी वजह से वहां का सनातन धर्म का हिंदू कल्चर का विलय हुआ. एंड देन बुद्धिस्ट लेटर ऑन दे टुक ओवर सच टेम्पल, जैसे कि अब ये कंबोडिया का जो मंदिर है अंकोर वाट, नाउ बुद्धिस्ट आर मैनेजिंग. लेकिन वहां अगर हम डीटीज को देखें ना, जो फॉर्म्स द डीटीज आर देयर ऑन द वॉल्स इज दैट ऑफ लॉर्ड विष्णु. भाई चार हाथ वाले बुद्ध कब हुए, तो इसीलिए वहां अगर कार्विंग्स वगैरह देखेंगे तो एक्चुअली इट्स अ बुद्धिस्ट, इट इज विष्णु टेम्पल. लेकिन बाद में अब नाउ
ऑफकोर्स बुद्धिस्ट आर मैनेजिंग इट, तो इसलिए कई ऐसे स्थान हुए जहां पर ना बुद्धिस्ट आर मैनेजिंग, बट डज नॉट मीन कि ओरिजिनली सारे टेम्पल जो है फिर वो वही वाले मंदिर हुए, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। और कुछ कितने ऐसे मंदिर, ऐसे अजंता एलोरा के मंदिर हैं, कई ऐसे मंदिर हैं वहां पर एक्चुअली कार्विंग्स हैं ऑफ वैदिक हिस्ट्री, जो कल्चर है इज नॉट बुद्धिस्ट कल्चर, जो वहां पेंटिंग्स हैं वो सब की सब वैदिक हिस्ट्री बताती हैं। और जैसे वहां राम जी वाला जो वीडियो है उसमें तो एक्चुअली हनुमान जी बैठे हुए हैं, राम जी के हाथ में धनुष है, ये धनुष वाले प्रभु जी और चरणों में बैठे हनुमान जी, ये बुद्धिस्ट कल्चर में कहां से आए हनुमान जी? तो इसलिए ये पेंटिंग्स बनाई ऐसे शौक शौक में, चलो हम बुद्धिस्ट लोग हैं राम जी की पेंटिंग बना दो यार, ऐसा क्या ऐसे ही मतलब मजे मजे में टाइम पास। तो इसलिए ओरिजिनल पेंटिंग्स क्लियरली दे डिपिक्ट लॉर्ड कृष्णास पेंटिंग्स एंड स्टैचूज एंड कार्विंग्स, भगवान श्री रामचंद्र के बारे में सिमिलरली देयर आर सो मेनी पेंटिंग्स एंड स्टैचूज एंड कार्विंग्स। तो इसलिए है तो ओरिजिनली सब सनातन धर्म के मंदिर है, लेकिन ये जो जब कोई प्रीचिंग में आता है ना तो फिर वो लग जाते हैं, कहते बस अब ये इनके प्रकारेण कर दो, हेंस प्रूव्ड यस। तो इसलिए ओके होता है ना, इसलिए आप जब दूसरी फिलोसफी पढ़ते हैं ना आपको 80% अपनी फिलोसफी पढ़नी चाहिए, 20% कभी दूसरी पढ़नी चाहिए, दैट टू अंडर सुपरविजन ऑफ सम सीनियर डिवोटी। कबड्डी कबड्डी खेलते खेलते अगर आप पाले से आउट हो गए तो क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो इसीलिए सावधान रहना चाहिए। सो पहले अपने पांव जमे हो उसके बाद फिर किसी दूसरे के पाले में जाए, ये तो कबड्डी कबड्डी करके आउट हो जाएंगे नहीं तो हम। सो इसलिए अभी आप अरे हमारे आचार्य को बहुत कुछ है पढ़ने को, ये जिंदगी का मैं बता रहा हूं मैं, प्रभुपाद जी की बुक्स अपने आप में बहुत है, उसके फिर हमारे आचार्य के बहुत बुक्स है, मर खप जाएंगे तो भी नहीं पढ़ पाएंगे, मरते वक्त सॉरी बोल लेंगे, माफ करना गोस्वामी नहीं पढ़ पाए। तो इसीलिए टाइम बहुत कम है, हमारे आचार्य को बहुत कुछ पढ़ने का है, तो इसलिए इधर उधर ताका झाकी ना करें, हमारे आचार्य ने बहुत कुछ दिया है। ऐसी होता है हमारे ऐसे कुछ जो प्रीचर्स हैं हम थोड़ा सा बाहर जाकर देख करके आते हैं ताकि आपको और बाकी दुनिया का सच ही बता सके, अदरवाइज हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे सिद्धांत में इतना तत्व इतना रस भरा हुआ है, वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर, अमेजिंग। मतलब आप जितना पढ़ोगे जितना जानोगे ना आपको लगेगा कि कितना बड़ा सौभाग्य हमारा कि इतने महान संप्रदाय में हमने जन्म लिया है, यहाँ पर हम लोग भक्ति कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। तो पढ़ेंगे तो जानेंगे ना, इसीलिए और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत जान लिया जैसे वो हम ही आपको बता देंगे जितना आपको जानने का है ना, बता देंगे आगे जाने की जरूरत क्या। हाँ यस बोलिए आपको बताओ जी। नहीं महात्मा बुद्ध ने दिया, ये निर्वाण की जो फिलोसफी है इज इट कम्स फ्रॉम ओरिजिनल टीचिंग, क्योंकि आनंद हुआ हिज सबसे क्लोजेस्ट डिसाइपल, ये रोट अबाउट निर्वाण, पर निर्वाण का मतलब वही है शून्यवाद, मर्जिंग इन टू नॉन एग्जिस्टेंस। उन्होंने नहीं दिया तो ये दिया कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन एक्चुअली मोक्ष क्या है तो उन्होंने भी नहीं बताया, नो भक्ति नाम लीला नथिंग। हाँ जी बोले बोले जैसे कि आपने बताया जैसे कि भगवत गीता में भाषा ऐसी जो भक्ति के लिए प्राप्त होता है वो सिर्फ भक्ति से ही प्राप्त होता है, भक्ति के अलावा जो होता है वन कैन एक्वायर सात्विक एग्जिस्टेंस, और सात्विक एग्जिस्टेंस को कभी कभी लोग एनलाइटनमेंट मान लेते हैं, क्योंकि लोगों की जो भुर्जी बनी हुई है ना संसार के अंदर उस भुर्जी से उनको कोई सात्विक बना देना इतने लगता है अरे हो गया भाई हो गया भाई, जैसे मान लो कोई नीचे चले चले चौथे फ्लोर पहुंच जाए, कहता भाई पहुंचेगा सर इसके ऊपर 18 फ्लोर और है हम बोल रहे यही सब कुछ है, तो ज्यादातर लोगों का ये हाल होता है, क्योंकि अब देखो जितने भी लोग बुद्धिस्ट बनते हैं नॉट दैट की लोग कोई बहुत फिलोसॉफिकल रिसर्च करके बने, लाइफ में बड़ा कष्ट है जी, मेरा पति सनकी है, मेरी पत्नी खून चूसू है, बच्चे कहना मानते नहीं है, संसार में बड़े दुख है जी, बड़े दुख है, बताइए क्या करना है,
कहता है तो आप ये बुद्धिस्ट चैंट करो आराम मिलेगा आपको। उसने कर लिया, उसने बुद्धिस्ट चैंट उसने कर लिया। तो बुद्धिस्ट चैंट करके उसको थोड़ा आराम मिल गया। हालांकि बुद्धिस्ट चैंट का उसको मतलब क्या है उसको मतलब नहीं पता उसका, लेकिन उसने कर दिया नाम नाम मोहो रंगे क्यों, ये उनकी मेडिटेशन कर लिया उसने। उससे थोड़ी शांति मिल गई थी, बस आई एम अ बुद्धिस्ट। आपने स्पिरिचुअल इंक्वायरी की, उसकी फिलोसफी में कोई डेप्थ है, कुछ उसके अंदर कुछ मिसिंग भी है, इससे लेना देना नहीं है, हमें शांति चाहिए बस। आजकल के पाखंडी गुरुओं का जो दुकानदारी क्यों चल रही है, रीजन बीइंग लोगों को स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ जानने का इंटरेस्ट ही नहीं है। लोगों चाहिए थोड़ी शांति हो जाए जी, मन अशांत रहता है, बस कोई तरीका दीजिए शांति आए। शांति आ गई तो फिलोसफी कहता है फिलोसफी के तेल देने चाहिए, हमें चाहिए थी शांति, और शांति माता जी जीवन में आ चुकी है मेरे, बस और मेरे को चाहिए भी नहीं, इसीलिए चल लेता है इनका। तो इसलिए ये शांति पाना ही लोग इसको निर्वाण मान लेते हैं। शांति इज जस्ट लाइक वन ऑफ शूट ऑफ भक्ति, ऑफ शूट, दैट्स इट। इससे वन जो रिसर्च हुआ आई एम अहमदाबाद के अनुसार, दे फाउंड आउट दैट द हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड आर लॉर्ड कृष्णा डिवोटीज, मतलब जो कि एक्चुअली कृष्ण डिवोटी बन चुके हैं। एक अभी आया राम गया राम वाले तो खैर आए दिन दुखी होते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली दोस्त हैव बिकम नाइस कृष्णा डिवोटीज, दे आर हैप्पीएस्ट। उनके पास सेकंड नंबर बुद्धिस्ट का है, दे आर सेटिस्फाइड बट दे आर नॉट हैप्पी, ये संतुष्ट लोग हैं लेकिन आनंद नहीं है इनके जीवन में। ना आनंद तो नाम रूप गुण लीला से आता है, नाम रूप गुण लीला तो है ही नहीं, तो इसलिए एक सात्विक खुशी को ही वो मान लेते निर्वाण। बुद्धिस्ट फिलोसफर में बताया एक हाइपनेटिक स्टेट है या आप मान अपमान सुख दुख में मंगल होता है, एक में सप्लीमेंट आता है, तो बेसिकली वो सात्विक कर सकते। लेकिन ये बुद्धिस्ट फिलोसफर में क्या ये दम है कि वो आपको ये कर दे जो भक्ति के ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं। अब देखो ना, जो चीज सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है, बुद्धिज्म इज सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी। जब तक इच्छाएं हैं तब तक संसार है, जब तक इच्छाएं हैं तब तक संसार है, तो फिर इच्छाएं शून्य होंगी, जैसे आप इच्छा शून्य हो जाएंगे तो जगत शून्य हो जाएगा, इच्छा शून्य जगत शून्य। नाउ द पर्सन डिजायर्स, मुझे होना है इच्छा शून्य, इच्छा शून्य, मुझको होना है इच्छा शून्य, मुझको होना है इच्छा शून्य। लेकिन सर ये भी एक इच्छा है, इस इच्छा से कैसे मुक्ति पाओगे अब, क्योंकि जब तक तो इच्छा नहीं होगी तो मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, तो ये भी एक इच्छा है। तो नहीं नहीं ये अलग वाली इच्छा है। कहते हैं सर अब आप दो इच्छाएं कर रहे हो, मटेरियल डिजायर स्पिरिचुअल डिजायर, वह कॉन्सेप्ट आप पे नहीं आता। सो बुद्धिज्म फॉल्स इनटू द ट्रैप ऑफ देयर ओन। हम ये आते हैं कि भाई डिजायर डिजायरलेसनेस, पर ये डिजायर भी तो डिजायर है, इस डिजायर से कैसे मुक्ति आएगी, बिकॉज डिजायर इज द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ सोल। डिजायर तो रहेंगी ही रहेंगी, चाहे स्पिरिचुअल डिजायर या मटेरियल डिजायर, मटेरियल डिजायर को नक्की करने का, स्पिरिचुअल डिजायर को कल्टिवेट करने का, दैट्स द कंप्लीट फिलोसफी। लेकिन स्पिरिचुअल डिजायर पे फोकस नहीं करता बुद्धिज्म, मटेरियल डिजायर को निगेट करने पे फोकस रहता है, बस नेति नेति, ये नहीं ये नहीं, नेति, दैट्स इट। पहले इसे रिलेशन आया, जैसे वो गाना है ना, बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं ये हूं ना मैं पत्थर हूं ना मैं पेड़ हूं ना मैं फला हूं ना मैं ढिमका हूं ना मैं ये हूं ना वो हूं, तो भाई साहब बुल्ले शाह तो क्या हो, वो बुल्ले शाह बता के नहीं गए। तो बुल्ले शाह ने सर ये बताया कि क्या तुम नहीं हो, पर काका जी ये बता दो क्या हो। तो ज्यादातर फिलोसफी क्या है, वो नेगेटिव वाले पार्ट को एड्रेस करती है, नेगेटिव निगेट करना, जो नेगेटिव है पार्ट है उसको निगेट करना, पर पॉजिटिव को एफर्मेशन करना, उसको एफर्म करना, ये इनकी फिलोसफी का पार्ट ही नहीं है। सो इसलिए ये सब इनकम्प्लीट फिलोसफीज हैं, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, ये सब के सब इनकम्प्लीट फिलोसफीज हैं। तो कुछ उनकी डेफिनेशन है एनलाइटमेंट की, उसके उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आज तक बुद्धिस्ट भी एनलाइट नहीं हो पाया। बिंगो, यस। इसलिए बुद्धिस्ट मेडिटेशन करके भी आज तक कोई निर्वाण प्राप्त नहीं किया है एक्चुअली। यस एट द मैक्स एक्चुअली प्रभुपाद ने बताया, ये जो जितने बुद्धिस्ट होते हैं, दोस हु एक्चुअली बिकम बोधिसत्व, दे एंटर द अपर के जो चार प्लैनेट्स है ना, सत्वलोक, जनलोक, तपोलोक एंड महरलोक, यहां पर ज्ञानी लोग जाते हैं। नाउ दे बिकम सात्विक, यहां पर जा करके हरि भक्तों का संग करके फिर ये वैकुंठ की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन बुद्धिस्ट का भी संसार से निकलना नहीं होने वाला, भले ही बोले आई एम नाउ एनलाइटेड, आई हैव बिकम कर्मा फ्री, लेकिन प्राजी तुसी पता तुसी कितने जा रहे हो, सानू पता तुसी कितने जा रहे हो, तुसी जाओगे ब्रह्मलोक या जनलोक या तपोलोक या महारलोक, दैट्स इट। यहां ज्ञानी लोग प्रवेश करते हैं, और यहां क्या क्या, क्योंकि भक्त भी रहते हैं यहां पर,
तो भक्तों का संग करके फिर फाइनली डिलीवर होते हैं। सो दैट्स द बिगर प्लान। अब इनको क्योंकि इन चार लोगों के बारे में पता ही नहीं है, तो इसलिए चलती है इनकी गाड़ी इस तरह से। हाँ जी हाँ, या 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 ब्रह्म निर्वाण, यस। सो बस बेसिकली ब्रह्म में कूदना, टू मर्ज इनटू ब्रह्म। हाँ, तो एक्चुअली स्पिरिचुअल किंगडम ऑफ गॉड ये सिर्फ भक्त ही बता सकता है कि ब्रह्म निर्वाण जो है बेसिकली वो पर ब्रह्म में जाकर के भगवान के धाम में उनकी सेवा करना, दैट्स रियल ब्रह्म। ना कि हम यहाँ से इतना ध्यान वहां लगाएंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कूद जाएंगे ब्रह्म के अंदर, ये मैं जा रहा हूँ ब्रह्म में आ रहा हूँ, और फिर जो आत्मा ब्रह्म के अंदर वो बेचारी विलीन हो गई, तो कहाँ गए हो? सुसाइड, स्पिरिचुअल सुसाइड। सो इट इज नॉट लाइक दैट। तो इसीलिए ब्रह्म निर्वाण का मतलब एक्चुअली है भगवान के धाम जाना, दैट्स अ रियल थिंग। कौन ब्रह्म में कौन कूदेगा बाबा, और क्या, ब्रह्म जाके मर्ज अगर हो जाएंगे, यू बिकम वन विद ब्रह्म। इवन शारीरिक भाष्य के इंट्रोडक्शन के अंदर जो शंकराचार्य जी बता रहे हैं यहां पर, ही इज राइटिंग दैट फ्रॉम ब्रह्म माय गुरुदेव केम ब्लेस मी एंड वेंट बैक। तो इस पर वैष्णव बोलते हैं, कहते हैं सर आपने बड़ी चाल बताई, यानी कि आपके गुरुदेव ब्रह्म में मर्ज नहीं हुए थे, ही वॉज मेंटेनिंग हिज इंडिविजुअलिटी देयर, तभी तो आए। अगर मर्ज हो गए होते तो वापस कैसे आते आपको आशीर्वाद देने के लिए? तो आपके गुरुदेव आशीर्वाद देने के लिए, यानी कि ब्रह्म में होकर के भी उनकी आइडेंटिटी थी, और वहां पर ऐसा नहीं कि आत्मा वहां तैरती रहती है, आवारा हूं, ऐसा नहीं है। ब्रह्म मतलब भगवान के धाम में भगवान की सेवा करना, उनका उनसे प्रेम करना भाई, तो वह ये थोड़ी आवाज से घूम रहे मेरे, शंकराचार्य तूने बुलाया मेरे को, मैं आ गया, आवारा हूं, ब्लेस यू ब्लेस यू, मैं चला, आवारा हूं, ऐसा क्या? ऐसा हो तो इसलिए हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब भी है सोल की इंडिविजुअलिटी हमेशा रहने वाली है, ठीक है जी। तो इसलिए वो कभी मर्ज होती नहीं है, सोल इज इनसॉल्युबल, अव्ययम्। आत्मा घुलनशील नहीं है, उसकी शिकंजी नहीं बनती ब्रह्म के साथ, हमने आत्मा डाले घुमा दो जी कड़छिया, बन गए शिकंजी आत्मा परमात्मा की, ऐसा नहीं होता जी। हाँ जी बताइए बस, यस हाँ, या जो ऊपर के चार लोग हैं, कर्मकांडी लोग हैं वो जाते नीचे के लोगों में, अतल वेतल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, कर्मकांडी लोग यहाँ जाते हैं, या फिर ऊपर के लोग भी हैं स्वर्ग लोग, उसके ऊपर में ये ज्ञान कांडी लोग जाते हैं बेसिकली, या फिर जो उस वर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ज्ञान यहाँ जाते हैं। तो इसलिए बुद्धिस्ट अगर कोई वाकई बोधिसत्व बन गया एक्चुअली में, ये हिंदू हेटिंग वाला तो कहीं नहीं जाने वाला है, तो यहीं रहने वाला है, एक्चुअली अगर वहां पहुंच चुका है, देन वहां भक्तों का संग्रह फिर आगे बढ़ जाएगा। कैसे फॉर्म है? बिकॉज सोल इज एक्चुअली इन द कोर, वी आर वेरी इफल्जेंट इलस्ट्रियस सोल, तो लाइट तो है, पर सिर्फ लाइट ही है ना, वी कांट टेक सोल सोल लाइटली, कि वो सिर्फ लाइट ही है, ऐसा नहीं है। या तो ब्रह्म ज्योति के अंदर कई आत्माएं वहां रहती हैं, पर वो मर्ज नहीं होती, अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करती हैं, मर्ज नहीं होती, आत्मा कैन नॉट मर्ज इन टू ब्रह्म, क्योंकि दोनों तत्व ही अलग अलग हैं। निराकार ब्रह्म और आत्मा दोनों अलग अलग तत्व हैं, ये निराकार है ये साकार है, सोल इन अ वे निराकार है, क्योंकि सोल की ऐसी कोई फॉर्म नहीं होती, सोल एक्वायर स्पिरिचुअल फॉर्म और मटेरियल फॉर्म, पर ये ऑल परवेडिंग निराकार नहीं है, जो कि जो ब्रह्म है वास्तव में। सोल के अंदर कॉन्शियसनेस भी है, ज्ञान भी है, अवेयरनेस भी है उसके अंदर, और नॉलेज की कॉग्निटिव एबिलिटीज भी है, लेकिन ब्रह्म के अंदर कॉन्शियसनेस है पर ऐसे ज्ञान नहीं है, ऐसा। ये भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश है, हम भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, दोनों तत्व ही अलग अलग हैं। सो वन तत्व कैन नॉट मर्ज इनटू अनदर तत्व, दोनों अलग अलग हैं। कहां पर ये आप देखा है कौन लोग पहुंचते ब्रह्म ज्योति के अंदर, जो लोग ब्रह्मवाद का फॉलो करते हैं, को फॉलो करते हैं, एक है मायावाद,
ये तो खैर भगवान के रूप से घृणा करने वाले तो यहीं पे घूमेंगे चलो उदय बन करके। लेकिन जो एक्चुअली ब्रह्म की ओर इंक्लाइन है, जैसे डिवाइन लाइफ वाले स्वामी शिवानंद के फॉलोअर्स, दे कैन एक्चुअली अंडर ब्रह्म, लेकिन वहां से फिर वो शिवजी उनको आगे ले जाते हैं, उनको मुक्ति शास्त्री, मुक्ति शास्त्री किया उन्होंने शिवानंद सोसाइटी में, उनको भी शिवजी लेकर जाते हैं कैलाश धाम, कहते हैं आपको तुम करो भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौम, तुमको हम कराते हैं, उसके बाद फिर उनको आगे लेके जाते हैं। ठीक है जी। हाँ जी यस, हाँ जी यस, बोलो जी। टेम्पल में आए बहुत मुझे बढ़िया लग रहा है, किसी बात ही नहीं करी, कोई बात नहीं कर रहा, उसका क्या बता रहा है, किसी बात ही नहीं कर रहा, सेवा नहीं कर रहा। हाँ हाँ बोलो ना भैया, तो सवाल तो पूछो पूरा। तो होगा ये ब्रह्म में है तो भगवान के पास है, बात ही नहीं कर रहा है, एक्सचेंज नहीं, संबंध नहीं है, हाँ हाँ तो मंदिर में किसी का रिलेशन नहीं है, वो आता है तो चल देखो मंदिर में आके जो किसी रिलेशन नहीं बनाते ना, दैट मीन्स है मुक्ति उन्मुखी सुकृति, यानी कि ऐसे लोग कहते हैं ये भीड़ भड़क के जोर रखो यार, इतना शोर मचाते हैं लोग, इतना ढोल पीटता है इनका, हो तैर तैर तैर, और बगल में वो लगा हुआ है करतार लेकर तार 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 तार, और ये और माइक रखे हैं उन्होंने, ये कौन से किसके अहूजा के स्पीकर लगा रखे हैं इन लोगों ने, शांति भी चाहिए होती है हमको, इससे कहीं लोग बाहर बाहर रह के चले जाते हैं। सो दे डोंट रिलिश द कल्चर ऑफ भक्ति, क्योंकि इनमें भक्ति उन्मुखी सुकृतियां कम है, मुक्ति उन्मुखी सुकृतियां हैं, तो इनको अकेले अकेले रहना, ऋषिकेश में किसी पेड़ के नीचे बैठना वो अच्छा लगता है लोग, ये इस्कॉन टेम्पल्स नॉइजी, वेरी नॉइजी, तो उनके लिए वो वाला नॉइस और ये वाला नॉइस एक बराबर ही है, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। जैसे कहीं ऐसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड आचार्य बोलते हैं इस तरह की चीजें, गाना बजाना कर रहे हो, अरे क्यूटी भाई फिल्में गाने गाना, उसपे नाचना और कीर्तन में डांस करना, तुमको इसके बीच में फर्क नजर नहीं आया, मतलब IQ इज बिलो एवरेज ऐसे लोगों की। ओके हाँ यस माटी, हाँ जी बताइए जी, यस हाँ पूछिए पूछिए, यस माइक आ रहा है आपके पास। हाँ पूछिए पूछिए, यस ओके देखिए आजकल ब्रह्म ज्ञान क्या है और एक्चुअल ब्रह्म ज्ञान क्या है, ये दो चीजें हैं। एक ब्रह्म ज्ञान जो आजकल चल रहा है वो यही है कि अगर आप निराकार ब्रह्म के बारे में चर्चा कर रहे हो उपनिषदों पे बेस्ड, तो दैट इज ब्रह्म ज्ञान, बट दैट इज इनकम्प्लीट ब्रह्म ज्ञान। वैसे ब्रह्म क्या है, ब्रह्म इज अ वेरी जेनेरिक डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी। जैसे आपका नाम क्या है, सॉरी व्हाट्स द गुड नेम, विनी। जैसे मैं आपको बता आपके बारे में किसी को बताऊं, ये एक लड़की है, ये सच है कि नहीं, सच है, लेकिन आपके बारे में बहुत जेनेरिक डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, इनका नाम विनी है, इन्होंने चश्मा पहना हुआ है, ये द्वारका के सेक्टर 3 में रहती हैं, इनके मम्मी का नाम ये है, पापा का नाम ये है। नाउ दिस इज मोर स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन। सो ब्रह्म ज्ञान इज बेसिकली जेनेरिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एब्सोल्यूट रियलिटी अबाउट गॉड, जेनेरिक डिस्क्रिप्शन, दैट इज ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म के और डिटेल में अगर जाएंगे देन देयर इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। हाँ तो इसलिए जो भक्ति का जो ज्ञान है दैट इज रियल ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि ब्रह्म भी है, पर ब्रह्म भी है, और परब्रह्म का कोई नाम भी है, आनंद भी है, नाम भी है, रूप भी है, गुण भी है, लीला भी है, भक्त भी है, रेसिप्रोकेशन भी है, रिश्ते भी है, रस भी है, ये डिटेल से बातें हैं। दिस इज कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एब्सोल्यूट रियलिटी। और एक है या दैट ऑल परवेडिंग रियलिटी, दिस वेरी जेनेरिक। सो लोग लगता है जेनेरिक डिस्क्रिप्शन इज द ओनली ब्रह्म ज्ञान, नहीं नहीं नहीं, ब्रह्म ज्ञान एक्चुअली मीन्स गेटिंग इन टू ऑल द डिटेल्स ऑफ एब्सोल्यूट रियलिटी। और डिटेल में हम किसके साथ जाते हैं, जिससे प्यार होता है ना उसकी डिटेल में जाते हैं, जिससे प्यार नहीं होता उसके कहते हैं अरे यार ऊपर ऊपर से बता मोटा मोटा क्या है, तो पढ़ लो ना, पढ़ना नहीं है यार मोटा मोटा क्या ऊपर से बता दे, तो लोग ऊपर ऊपर से लेके चलते हैं। लेकिन जिसकी जिसमें इंटरेस्ट होता है, जैसे कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है ना, पूरा डिस्क्रिप्शन लेगा, कितने बजे उठती है, कहाँ जाती है, मिरांडा कॉलेज में पढ़ती है, भाई उसके कितने भाई हैं, उसके 3 भाई हैं, उसके 2 भाई जिम जाते हैं, उसके वो भाई, तो सारा डिस्क्रिप्शन लेगा वो, क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट है। सो डिटेल का मतलब ही हमारा डीप इंटरेस्ट है, जेनेरिक इंटरेस्ट देन यू हैव जेनेरिक नॉलेज,
व्हेन यू हैव डीप इंटरेस्ट देन यू हैव मोर नॉलेज. तो इसीलिए भक्ति भक्ति की जो नॉलेज है वो ज्यादा, दैट्स रियल ब्रह्म ज्ञान, बिकॉज उसके अंदर हम डिटेल में जाते हैं, नाम रूप गुण लीला रेसिप्रोकेशन रस डिवोटी धाम भक्ति. तो इसलिए दिस इज आज जो हम जहां सीखते हैं, दिस इज रियल एंड द डीप एंड एब्सोल्यूट ब्रह्म ज्ञान. हाँ जी माता जी, हाँ जी बोलिए क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स, क्या क्या परफॉर्म करना चाहिए, मॉर्निंग साधना, सुबह जल्दी उठना चाहिए, नाम जप करना चाहिए अटेंटिवली, ये भागवतम इत्यादि पढ़ना चाहिए सुनना चाहिए मॉर्निंग में, फिर आप कवच पहन के निकले फिर आप फर्क नहीं पड़ेगा. यस, कोई तीर चलाएगा विन नहीं, मेरे ब्रह्मास्त्र को संभाल. वेल थैंक यू गाइस, नो वरी एट ऑल बिकॉज इट इज नॉट हरी. लेकिन अब जब साधना वगैरह कुछ है नहीं फिर तो कोई भी उड़ा दे, अरे क्या बननी, अपनी शक्ल देखी तूने, हैं तेरी शक्ल तो अतीक खान से मिलती है. वाह लो जी, आप अतीक से मेरा क्या लेना है, ऐसा कैसे कैसे कह सकते हैं आप, उसी शक्ल तो मेंढक से मिलती है, हमें ऐसे कैसे कर, तो गुस्सा हो जाएंगे आप, राइट. तो इसीलिए दैट मीन्स अगर आपने कवच पहना हुआ है तो आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन जल्दी बुरा लग रहा है इसका मतलब अभी भक्ति में इतना दम अभी आया नहीं, इतने छोटी छोटी बातें बुरा लग जाता है हमें, ठीक है जी. एंड वंस यू बिकम डीप इन भक्ति देन यू बिकम कूल. हाँ यस माता जी बताइए. सनातन धर्म क्या है, इतना डिविजन क्यों है, क्यों इतने हाँ, तो इतने अगर आप केमिस्ट के पास जाओ आप बोलो इतनी दवाइयां क्यों है, तो क्या जवाब देगा आपको, अच्छा मैडम जी बीमारियां बहुत है ना, इससे दवाइयां भी बहुत है, लेकिन हर मर्ज की दवा हमारे पास है. यस, तो इसलिए अगर मान लो कोई हो भाई चूरण होता है टेंट मार करके लगाया, आओ जी आओ सब बीमारी का इलाज, उसने एक चूरण का बड़ा टंबल रखा वो उसी में से निकाल करके पूड़िया बना के खिलाता रहता है, कब्ज कैंसर उस चूरण में सब कुछ, अरे ये बढ़िया है भाई, एवरीथिंग इज वन, एक सोल्यूशन, ये चूरण का उसने 5 किलो का डब्बा बनाया इसी की पुड़िया बना करके सबको चिपकाता रहता है वो, लेकिन एक्चुअली जितनी वैरायटी दवाइयां होंगी इसका मतलब बहुत अलग अलग बीमारियां हैं, तो अलग अलग बीमारियों का अलग अलग मेडिसिन भी है, इलाज भी उसका, इसीलिए इतनी वैरायटी मिलती है हमारे यहाँ पर. हमारे यहाँ तामसिक लोग भी हैं उनके लिए शिव जी कल्याण करते हैं, उनका राजसिक लोग हैं देवी माँ का कल्याण करती है, सत्वगुणी लोग हैं विष्णु कल्याण करते हैं उनका, और जिसको परमहंस बनना है भगवान कृष्ण तो है ही उसके लिए. है जी, ये सब देखो जैनिज्म सनातन धर्म में नहीं आता, हालांकि उनको हम ले लेते हैं क्योंकि जो विरोधी शक्तियां काम कर रही होती तो हम लोग भाईबंदी कर लेते हैं आपस में, लेकिन एक्चुअली जैनिज्म इज नॉट सनातन धर्म, बुद्धिज्म इज नॉट सनातन धर्म. क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, नहीं कोई कम वगैरह कुछ नहीं होता, कम जो हुआ है हमारी बेवकूफियों की वजह से हुआ है, हमारे सो कॉल्ड ब्राह्मणों ने जो फालतू फालतू बात उस वजह से कम हुआ, लेकिन वो भी करने का एक कारण था क्योंकि ऐसी जगह जहां हिंदुज्म रिचुअलिस्टिक और एक्सप्लॉयटेटिव हो गया था, ऊंची जाति नीची जाति वाला, ऐसा हिंदुज्म को स्नब करना जरूरी था, इसलिए 40,000 मंदिरों के ऊपर आज 40,000 मस्जिदें बन गई, लेकिन आज हिंदुज्म इज बिकमिंग मोर स्पिरिचुअलिस्टिक, मोर भक्ति ओरिएंटेड, इसलिए धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं अब मकबरे हट रहे हैं, मंदिर ऊपर आ रहे हैं वापस, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिटॉक्स, इसको बोलते हैं रिलीजियस डिटॉक्स. हाँ धर्म तो अच्छा ही रहता है, फॉलोअर्स ही होता है बांगड़ू. यस फॉलोअर्स भटक गए हो अब उनको वापस लेकर के आ रहे हैं. हाँ जी यस ओके यहीं पे विराम नहीं, हाँ यहाँ हाँ यहाँ हाँ पूछे यस बोलो बेटा. एक्चुअली होता क्या, हमारा क्यों भगवान विश्वास नहीं होता, बिकॉज हमारा भगवान की शक्ति पे तो विश्वास होता है आधा पौना, लेकिन बुद्धि पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता उनकी, कहता बुद्धि हमारी हो शक्ति आपकी हो, ये है हमारा हिसाब किताब, मतलब प्लान हम अपने बनाए, भगवान ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, और परसों तक हो जाए
और जो नहीं हुआ पता नहीं भगवान में शक्ति है नहीं है, तो इसलिए भगवान के प्लान भी हमसे अच्छे हैं, भगवान की शक्ति तो हमसे अच्छी है ही है। तो इससे अगर आप कुछ इच्छा आपने मांगी और भगवान ने आपकी इच्छा पूरी नहीं की तो इसमें आपका भला है, और हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए हमारा बेड़ा गर्क हो जाए एक्चुअली, क्योंकि कैसी कैसी इच्छाएं मन के अंदर। अरे 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 अगर सब एक दूसरे की इच्छा पढ़ लेते अगर ना, सारी दुनिया में एक दूसरे पे विश्वास खत्म हो चुका होता। तो आपके मन में ऐसी ऐसी इच्छाएं हुई हैं पूरी बाबा, तो भगवान हमारी कहीं इच्छाएं पूरी नहीं करते, ये दया है भगवान की। और आप देखो कहीं ना कहीं, और वो जब इच्छाओं से आप निकल जाते हो तो धन्यवाद करते हो, प्रभु आपने वो 4-5 साल में जो इच्छाएं थी ना वो आपने पूरी नहीं की, बहुत धन्यवाद आपका, नहीं तो आज मैं यहाँ नहीं होता जहां मैं आज हूँ, अरे निपट गए होते हैं पहले। तो भगवान की दया है कि भगवान हमारी इच्छाएं सारी इच्छाएं पूरी नहीं करते। ठीक है जी, ओके यहीं पे विराम देते हैं अभी हम, टाइम बहुत हो गया है। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, बुद्ध पूर्णिमा महामहोत्सव की, गाय गोप नंदे। हरे हरे।